हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सरकार पाटा तो सरकार और पाठा फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है हिंदी वर्जन है वो कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सेटेलाइट चैनल कौन से यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर मैं एक जानकारी देने वाला हूँ साथ ही में फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो भी मैं शेयर करने वाला हूँ साथ ही में फिल्म की स्टोरी के ऊपर एनालिसिस करेंगे डीप रिव्यू करने वाले है जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे स्टोरी का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी होने वाला है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरकारो वारी पाटा जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है परशुराम ने जहाँ पे स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग सभी चीज़ें परशुराम ने ही क्रिएट की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो टोटल चार प्रोड्यूसर्स देखने को मिलेंगे नवीन यर्निनी वाई रविशंकर राम अचंटा गोपीचंद अचंटा इसके अलावा महेश बाबू ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है तो इस तरह से इतने को प्रोड्यूसर्स और साथ ही में महेश बाबू भी जुड़े हुए इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनीज मैथ्री मूवी मेकर्स फोर्टीन रील प्लस एंटरटेनमेंट जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट इन

और इसके अलावा इस फिल्म के रन टाइम को 160 मिनट के एडिटर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो महेश बाबू को रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कीर्ति सुरेश समूथी रखानी नाद्या मेनन वेनेला किशोर जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे साथ ही में सुबाराजू अजय ब्रह्माजी तनिकेला भरानी पोषानी कृष्णा मुरली प्रभास रीनू महेश मांजरेकर रवि प्रकाश सत्यम राजेश नागाबाबू पवित्रा लोकेश राजश्री राजश्री नेर गीता भास्कर अप्पा जी दरबा और अनंत बाबू जैसे कहीं बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जिन्होंने मिलकर इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है ओवरऑल इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में काम दिखाया हुआ है जहाँ पे सभी का काम काफी बेहतरीन निकल के आया हुआ है इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन 12 मई 2022 को जहां पे 160 मिनट के रन टाइम के साथ यूएस सर्टिफिकेट सा के साथ फिल्म को रिलीज़ किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से बेहतरीन मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे एक सौ मिले हुए आई पे डी वी हज़ार एक सौ वार्ड्स मिले हुए जहाँ पे छः पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को रेटिंग तो डिसेंट हासिल हुई है लेकिन जिस तरह से मिक्स रिव्यू मिला था उसके चलते लग रहा था कि ये फिल्म उतना वर्क नहीं करेगी लेकिन जिस तरह से महेश बाबू की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने प्रेज़ किया हुआ था जिस तरह से ऑडियंस ने पूरी तरह से इस फिल्म को सपोर्ट किया हुआ था दो साल के बाद महेश बाबू थिएटर में आ रहे थे अपनी फिल्म को लेकर तो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपनिंग दिलवाई इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा स्टार्ट दिलवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन पे ही पचहत्तर करोड़ का वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन निकाला हुआ था और डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन करीबन पैंतालीस करोड़ इक्कीस लाख का निकाल के दिखाया हुआ था तो ये काफ़ी बड़ी बात है किसी रीजनल फिल्म का आना और इतने बड़े लेवल पे इतने बड़े पैमाने पे कलेक्शन करके दिखाना काफी बड़ी बात होती है पुष्पा एक पेन इंडिया फिल्म थी और उस फिल्म ने सिर्फ इकहत्तर करोड़ का कलेक्शन किया था और ये सिर्फ वर्जन की फिल्म है तो भी इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है तो देखने वाली बात है कि इस फिल्म से महेश बाबू का स्टारडम्प पर पूरी तरह से हमें पता चलता है जहां पे दो साल के बाद आने के बाद भी एक एवरेज फिल्म लेके आने के बाद भी काफी बढ़िया तरीके से फिल्म वर्क कर गई दूसरे दिन इस फिल्म का दो दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एक 105 करोड़ का निकल के आया जहां पे दो दिन में इस फिल्म ने हंड्रेड करोड़ क्लब में एंट्री ले ली थी महेश बाबू के करियर में सातवीं फिल्म थी वहीं पर दो दिन में एंट्री करने वाली उनकी पहली फिल्म थी साथ ही में इस फिल्म ने करीबन पांच दिनों में एक करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिस तरह से एक एवरेज फिल्म ने इस तरह से पांच दिनों में नेट कलेक्शन करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था इंडिया में से वो भी काफी बड़ी बात थी इसके अलावा इस फिल्म ने जिस तरह से तेलुगू वर्जन से इतना कलेक्शन किया तो सभी लोगों को सरप्राइज कर दिया लेकिन सरप्राइज होने की बात नहीं थी क्योंकि महेश बाबू जैसे बड़े एक्टर की फिल्म आ रही हो और तेलुगू ऑडियंस उस फिल्म को सपोर्ट ना करे ऐसा हो नहीं सकता तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में इस फिल्म ने तो इतना धमाका मचाया जिस वजह से सुबह शाम के सो जिस तरह से फूल जा रहे थे तो फिल्म को अच्छी खासी ओपनिंग और कलेक्शन मिलने ही थे इस फिल्म ने पहले वीक में सरकार वारी पाटा करीबन एक सौ करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन निकाला हुआ है तो एवरेज फिल्म थी जहां पे कुछ उतना कुछ खास नहीं था बड़ी बात है तो अभी फिलहाल चल रही है अभी थोड़ी स्लो हो चुकी है लेकिन जितना कलेक्शन करना था वो काफी बढ़िया तरीके से किया दिखाता है प्योर बाबू का अब हम बात कर लेते फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट

ट्रैक को हरिका नारायण ने गाया हुआ है मामा महेशा को श्री कृष्णा और जोनिता गांधी ने गाया हुआ है वहीं पे सरकारों वाली पाता का जो रेप है उसको हरिका नारायण महाश्रावन भार्गवी मनीषा इबरथिनी प्रत्युषा पोलपोथ श्री सौम्या वाराणसी और श्रुति रंजनी ने गाया हुआ है तो इस तरह से पांच गाने जिसकी लेंथ है उन्नीस मिनट छब्बीस सेकंड फ़िलहाल मे गाने सारे के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर तो दो से इस फिल्म की फिल्मिंग स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को इक्कीस नवंबर दो में हैदराबाद में एक फॉर्मल लॉन्च इवेंट के साथ स्टार्ट किया गया था जहाँ फिल्म की शूटिंग एक जनवरी दो से पूरी तरह से कंप्लीटली स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे हैदराबाद के कुछ लोकेशंस यूएस के दुबई के अलग अलग लोकेशन पर इस फिल्म को शूट किया गया था शारजा में फिल्म का चार वीक का शेड्यूल रखा गया था गोवा में फिल्म के कुछ क्लाइमेक्स शॉट को शूट किया गया था जहाँ पे एक्शन कोरियोग्राफर का राम लक्ष्मण देखने को मिले थे तो उनका एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा तो इस तरह से फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग लोकेशन में कोविड नाइन्टीन के बीच में शूट किया गया था और इन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए फिल्म को अप्रैल 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग के साथ काम किया गया था अब हम इस फिल्म की स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं उससे पहले मैं आपको कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसकी डिटेलिंग दे देता हूँ महेश बाबू ने महेश यानी कि मही जो फाउंडर है मही फाइनेंस कॉरपोरेशन का उसका रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने कालवती का रोल प्ले किया हुआ है सॉरी कलावती का समूथी रकानी ने एम पी राजेंद्र नाथ यानी कि कलावती के फादर का रोल प्ले किया हुआ था नादिया ने सीनियर बैंक ऑफिशियल राजकुमारी का रोल प्ले किया हुआ था सोमिया मेनन आपको सोमिया यानी कि कलावती के

किरदार जिस तरह से फिल्म के टोन को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म की एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था फिल्म को आसानी से पंद्रह बीस मिनट छोटा किया जा सकता था अगर ये फिल्म ढाई घंटे की कम की रहती तो और बेहतर तरीके से एंगेजिंग और क्रिस्प नजर आती इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया है जहाँ पर हर एक फ्रेम काफी बढ़िया रीच नज़र आ रही थी जो कैमरा मैन ने जिस तरह से कलर टोन के साथ सभी चीज़ों को निकाला हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है फिल्म का आउटपुट आपको जरूर पसंद आने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से मिक्स रिस्पांस मिलते हुए बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन किया था अब उसकी स्टोरी के ऊपर बात करें तो महेश यानी कि महेश बाबू एक लोन रिकवरी बिजनेस है जहाँ पर वो यू में रह रहे एक लड़की है जिसका नाम है कलावती जिसका रोल प्ले करे की सुरेश वो उनके पास एक लोन लेती है लेकिन उस लोन को फिर से उनको रीपे करना होता है लेकिन उसके लिए वो फेल हो जाती है और उसके बाद महेश बाबू उसको काफ़ी ज़्यादा वोन करता है धमकी देता है कि उसके पैसे वापस दे दे लेकिन कलावती ये सभी चीज़ें अपने पापा जो एक पावरफुल इंसान है उसके पास चली जाती है जिसका नाम है राजेंद्र नाथ और इस मैटर राजेंद्र नाथ के पास पहुंच जाती है जहां पे वो रोल प्ले है समूथी रकानी और पूरी तरह से चीजें बदल जाती है अब महेश बाबू किसी भी चॉइस ना बचने की वजह से सीधा इंडिया आता है और राजेंद्र नाथ के पास चला जाता है अपने पैसे लेने के लिए लेकिन वहाँ पे एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से एक प्रॉपर वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है तो अब वो प्रॉब्लम क्या है राजेंद्र नाथ कौन है साथ ही में महेश इन सभी चीज़ों को किस तरह से हैंडल करता है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में जिस तरह से मैंने कहा कि जितनी बातें बताई जैसे कि महेश बाबू की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्शन रूटीन था कैमरा वर्क एडिटिंग में काम की जरूरत थी

तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी सरकारोवारी पाटा के नाम से वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो ने डिजिटल राइट्स अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए तेलुगु वर्जन के लिए तो ये फिल्म सरकारोवारी पाटा के नाम से थिएट्रिकली रिलीज जो बारह मई हुई है दो को उसके एक महीने के बाद ये फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्टार माँ के चैनल के ऊपर आपको ये फिल्म करीबन चार पाँच महीनों में थिएट्रिकल रिलीज के चार पाँच महीनों में सरकार सरकाराता के नाम से देखने को मिलेगी फ्री में वहीं पे अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी जहां पे ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने के बाद अवेलेबल की जाएगी वहीं पे इस फिल्म के हिंदी राइट्स खरीदे हुए गोल माइंस टेलीफिल्म जिन्होंने अपनी गोल्ड माइस टेलीविजन चैनल पर इस फिल्म का एक प्रोमो आउट किया हुआ था डबिंग कंप्लीट नहीं की है जब तक इस फिल्म का तेलुगु वर्जन का जितना रिगार्डिंग काम है कंप्लीट नहीं हो जाता तेलुगु वर्जन पूरी तरह से तरीके से थिएट्रिकल रन कंप्लीट कर लेता है उसके बाद में थिएटर

प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे जहा पे तेलुगु वर्जन में स्टार मा के ऊपर फ्री में देखने को मिलेगी अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन इंग्लिश ये फिल्म देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में वहीं पे हिंदी वर्जन में गोलमेस वालों ने सैटेलाइट और यूट्यूब दोनों राइट्स खरीदे हुए तो वहां पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी हिंदी टब्ड वर्जन में तो इस तरह से आप ये फिल्म हिंदी और तेलुगु में एंजॉय कर पाओगे सरकारो वारी पाटा जो दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है परशुराम ने जहाँ पे स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग सभी चीज़ें परशुराम ने ही क्रिएट की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो टोटल चार प्रोड्यूसर्स देखने को मिलेंगे नवीन यर्निनी वाई रविशंकर राम अचंटा गोपी चंद अचंटा इसके अलावा महेश बाबू ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है तो इस तरह से इतने को प्रोड्यूसर्स और साथ ही में महेश बाबू भी जुड़े हुए इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनीज मैथ्री मूवी मेकर्स फोर्टीन रिल प्लस एंटरटेनमेंट जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट इन

और इसके अलावा इस फिल्म के रन टाइम को 160 मिनट के एडिटर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी एलिमेंट डाले हुए हैं और साथ ही में इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो महेश बाबू लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कीर्ति सुरेश समुथी रखानी नादिया सोमिया मेनन वेनेला किशोर जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे साथ ही में सुबा राजू अजय ब्रह्माजी तनिकेला भरानी पोसानी कृष्णा मुरली प्रभास रीनू महेश मांजरेकर रवि प्रकाश सत्यम राजेश नागाबाबू पवित्रा लोकेश राजश्री नेर गीता भास्कर अप्पाजी अंबारिशा दरबा और अनंत बाबू जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जिन्होंने मिलकर इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है ओवरऑल और और इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में काम दिखाया हुआ है जहाँ पे सभी का काम काफी बेहतरीन निकल के आया हुआ है इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन 12 मई 2022 को जहां पे 160 मिनट के रन टाइम के साथ यूएस सर्टिफिकेट सा के साथ फिल्म को रिलीज़ किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से बेहतरीन मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे एक सौ मिले हुए आई पे डी वी हज़ार एक सौ वार्ड्स मिले हुए जहाँ पे छः पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को रेटिंग तो डिसेंट हासिल हुई है लेकिन जिस तरह से मिक्स रिव्यू मिला था उसके चलते लग रहा था कि ये फिल्म उतना वर्क नहीं करेगी लेकिन जिस तरह से महेश बाबू की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने प्रेज़ किया हुआ था जिस तरह से ऑडियंस ने पूरी तरह से इस फिल्म को सपोर्ट किया हुआ था दो साल के बाद महेश बाबू थिएटर में आ रहे थे अपनी फिल्म को लेकर तो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपनिंग दिलवाई इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा स्टार्ट दिलवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन पे ही पचहत्तर करोड़ का वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन निकाला हुआ था और डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन करीबन पैंतालीस करोड़ इक्कीस लाख का निकाल के दिखाया हुआ था तो ये काफ़ी बड़ी बात है किसी रीजनल फिल्म का आना और इतने बड़े लेवल पे इतने बड़े पैमाने पे कलेक्शन करके दिखाना काफी बड़ी बात होती है पुष्पा एक पेन इंडिया फिल्म थी और उस फिल्म ने सिर्फ इकहत्तर करोड़ का कलेक्शन किया था और ये सिर्फ वर्जन की फिल्म है तो भी इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है तो देखने वाली बात है कि इस फिल्म से महेश बाबू का स्टारडम्प पर तो पूरी तरह से हमें पता चलता है जहां पे दो साल के बाद आने के बाद, बाद भी एक एवरेज फिल्म लेके आने के बाद भी काफी बढ़िया तरीके से फिल्म वर्क कर गई दूसरे दिन इस फिल्म का दो दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एक करोड़ का निकल के आया जहां पे दो दिन में इस फिल्म ने हंड्रेड करोड़ क्लब में एंट्री ले ली थी महेश बाबू के करियर में सातवीं फिल्म थी वहीं पर दो दिन में एंट्री करने वाली उनकी पहली फिल्म थी साथ ही में इस फिल्म ने करीबन पांच दिनों में एक करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिस तरह से एक एवरेज फिल्म ने इस तरह से पांच दिनों में नेट कलेक्शन करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था इंडिया में से वो भी काफी बड़ी बात थी इसके अलावा इस फिल्म ने जिस तरह से तेलुगू वर्जन से इतना कलेक्शन किया तो सभी लोगों को सरप्राइज कर दिया लेकिन सरप्राइज होने की बात नहीं थी क्योंकि महेश बाबू जैसे बड़े एक्टर की फिल्म आ रही हो और तेलुगू ऑडियंस उस फिल्म को सपोर्ट ना करे ऐसा हो नहीं सकता तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में इस फिल्म ने तो इतना धमाका मचाया जिस वजह से सुबह शाम के सो जिस तरह से फूल जा रहे थे तो फिल्म को अच्छी खासी ओपनिंग और कलेक्शन मिलने ही थे इस फिल्म ने पहले वीक में सरकार वारी पाटा

के ऊपर जहाँ पे मैंने आपको कहा कि बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ऐसे ने क्रिएट किए हुए हैं जहां पे उन्होंने महेश बाबू के साथ चौथी बार कोलॉबरेट किया हुआ है इससे पहले आगाडो बिजनेसमैन डुकुडू जैसे कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया हुआ था परसुराम के साथ तीसरी बार कोलॉबरेट किया हुआ अंजन यूलू श्रीमस्तु सुभनस्तु में भी काम किया हुआ था इस फिल्म के ऑडियो राइट्स खरीदे हुए सारे गमाने जिन्होंने इस फिल्म के तेलुगु वर्जन को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी गानों को अवेलेबल किया हुआ है वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में इस फिल्म के गानों को दो हजार इक्कीस बाईस में रिकॉर्ड किया गया था

ट्रैक को हरिका नारायण ने गाया हुआ है मामा महेशा को श्री कृष्णा और जोनिता गांधी ने गाया हुआ है वहीं पे सरकारों वाली पाता का जो रेप है उसको हरिका नारायण महाश्रावन भार्गवी मनीषा इबरथिनी प्रत्युषा पोलपोथ श्री सौम्या वाराणसी और श्रुति रंजनी ने गाया हुआ है तो इस तरह से पांच गाने जिसकी लेंथ है उन्नीस मिनट छब्बीस सेकंड फ़िलहाल मे गाने सारे के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर तो दो से इस फिल्म की फिल्मिंग स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को इक्कीस नवंबर दो में हैदराबाद में एक फॉर्मल लॉन्च इवेंट के साथ स्टार्ट किया गया था जहाँ फिल्म की शूटिंग एक जनवरी दो से पूरी तरह से कंप्लीटली स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे हैदराबाद के कुछ लोकेशंस यूएस के दुबई के अलग अलग लोकेशन पर इस फिल्म को शूट किया गया था शारजा में फिल्म का चार वीक का शेड्यूल रखा गया था गोवा में फिल्म के कुछ क्लाइमेक्स शॉट को शूट किया गया था जहाँ पे एक्शन कोरियोग्राफर का राम लक्ष्मण देखने को मिले थे तो उनका एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा तो इस तरह से फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग लोकेशन में कोविड नाइन्टीन के बीच में शूट किया गया था और इन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए फिल्म को अप्रैल 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग के साथ काम किया गया था अब हम इस फिल्म की स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं उससे पहले मैं आपको कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसकी डिटेलिंग दे देता हूँ महेश बाबू ने महेश यानी कि मही जो फाउंडर है मही फाइनेंस कॉरपोरेशन का उसका रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने कालवती का रोल प्ले किया हुआ है सॉरी कलावती का समूथी रकानी ने एम पी राजेंद्र नाथ यानी कि कलावती के फादर का रोल प्ले किया हुआ था नादिया ने सीनियर बैंक ऑफिशियल राजकुमारी का रोल प्ले किया हुआ था सोमिया मेनन आपको सोमिया यानी कि कलावती के

किरदार जिस तरह से फिल्म के टोन को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म की एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था फिल्म को आसानी से पंद्रह बीस मिनट छोटा किया जा सकता था अगर ये फिल्म ढाई घंटे की कम की रहती तो और बेहतर तरीके से एंगेजिंग और क्रिस्प नजर आती इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया है जहाँ पर हर एक फ्रेम काफी बढ़िया रीच नज़र आ रही थी जो कैमरा मैन ने जिस तरह से कलर टोन के साथ सभी चीज़ों को निकाला हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है फिल्म का आउटपुट आपको ज़रूर पसंद आने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से मिक्स रिस्पांस मिलते हुए बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन किया था अब उसकी स्टोरी के ऊपर बात करें तो महेश यानी कि महेश बाबू एक लोन रिकवरी बिजनेस मैन है जहाँ पे वो यूएस में रह रहे एक लड़की है जिसका नाम है कलावती जिसका रोल प्ले करे की सुरेश वो उनके पास एक लोन लेती है लेकिन उस लोन को फिर से उनको रीपे करना होता है लेकिन उसके लिए वो फ़ेल हो जाती है और उसके बाद महेश बाबू उसको काफ़ी ज़्यादा वोन करता है धमकी देता है कि उसके पैसे वापस दे दे लेकिन कलावती ये सभी चीज़ें पापा जो एक पावरफुल इंसान है उसके पास चली जाती है जिसका नाम है राजेंद्र नाथ और इस मैटर राजेंद्र नाथ के पास पहुंच जाती है जहां पे वो रोल प्ले करे समूत्री रखानी और पूरी तरह से चीजें बदल जाती है अब महेश बाबू किसी भी चॉइस ना बचने की वजह से सीधा इंडिया आता है और राजेंद्र नाथ के पास चला जाता है अपने पैसे लेने के लिए लेकिन वहाँ पे एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से एक प्रॉपर वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है तो अब वो प्रॉब्लम क्या है राजेंद्र नाथ कौन है साथ ही में महेश इन सभी चीज़ों को किस तरह से हैंडल करता है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में जिस तरह से मैंने कहा कि जितनी बातें बताई जैसे कि महेश बाबू की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्शन रूटीन था कैमरा वर्क एडिटिंग में काम की जरूरत ही

तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी सरकारोवारी पाटा के नाम से वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो ने डिजिटल राइट्स अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए तेलुगु वर्जन के लिए तो ये फिल्म सरकारोवारी पाटा के नाम से थिएट्रिकली रिलीज जो बारह मई हुई है दो को उसके एक महीने के बाद ये फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्टार माँ के चैनल के ऊपर आपको ये फिल्म करीबन चार पाँच महीनों में थिएट्रिकल रिलीज के चार पाँच महीनों में सरकार सरकाराता के नाम से देखने को मिलेगी फ्री में वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी जहां पे ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने के बाद अवेलेबल की जाएगी वहीं पे इस फिल्म के हिंदी राइट्स खरीदे हुए ने जिन्होंने अपनी गोल्ड माइंस टेलीविजन चैनल पर इस फिल्म का एक प्रोमो आउट किया हुआ था डबिंग कंप्लीट नहीं की है जब तक इस फिल्म का तेलुगु वर्जन का जितना रिगार्डिंग काम है कंप्लीट नहीं हो जाता तेलुगु वर्जन पूरी तरीके से थिएट्रिकल रन कंप्लीट कर लेता है उसके बाद में थिएटर

प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे तेलुगु वर्जन में स्टार मा के ऊपर फ्री में देखने को मिलेगी अमेजॉन प्राइम के ऊपर भी सब्सक्रिप्शन विथ भी इंग्लिश ये फिल्म देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में वहीं पे हिंदी वर्जन में गोलमैंस वालों ने सैटेलाइट और यूट्यूब दोनों राइट्स खरीदे हुए तो वहां पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी हिंदी टब्ड वर्जन में तो इस तरह से आप ये फिल्म हिंदी और तेलुगु में एन्जॉय कर पाओगे सरकारो वारी पाटा जो दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है परशुराम ने जहाँ पे स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग सभी चीज़ें परशुराम ने ही क्रिएट की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो टोटल चार प्रोड्यूसर्स देखने को मिलेंगे नवीन यर्निनी वाई रविशंकर राम अचंटा गोपीचंद अचंटा इसके अलावा महेश बाबू ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है तो इस तरह से इतने को प्रोड्यूसर्स और साथ ही में महेश बाबू भी जुड़े हुए इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनीज मैथ्री मूवी मेकर्स फोर्टीन रील प्लस एंटरटेनमेंट जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट इन

और इसके अलावा इस फिल्म के रन टाइम को 160 मिनट के एडिटर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो महेश बाबू लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कीर्ति सुरेश नादिया मेनन वेनेला जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे साथ ही में सुबाराजू राजू अजय ब्रह्माजी तनिकेला भरानी पोसानी कृष्णा मुरली प्रभास रीनू महेश मांजरेकर रवि प्रकाश सत्यम राजेश नागाबाबू पवित्रा लोकेश राजश्री नेर गीता भास्कर अप्पा जी अम्बारिषा दरबा और आनंद बाबू जैसे कहीं बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जिन्होंने मिलकर इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है ओवरऑल और और इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में काम दिखाया हुआ है जहाँ पे सभी का काम काफी बेहतरीन निकल के आया हुआ है इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन 12 मई 2022 को जहां पे 160 मिनट के रन टाइम के साथ यूएस सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को रिलीज़ किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों तो की तरफ से बेहतरीन मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे एक सौ तो मिले हुए आई पे डी वी हज़ार मिले हुए जहाँ पे छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को रेटिंग तो डिसेंट हासिल हुई है लेकिन जिस तरह से मिक्स रिव्यू मिला था उसके चलते लग रहा था कि ये फिल्म उतना वर्क नहीं करेगी लेकिन जिस तरह से महेश बाबू की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने प्रेज़ किया हुआ था जिस तरह से ऑडियंस ने पूरी तरह से इस फिल्म को सपोर्ट किया हुआ था दो साल के बाद महेश बाबू थिएटर में आ रहे थे अपनी फिल्म को लेकर तो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपनिंग दिलवाई इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा स्टार्ट दिलवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन पे ही पचहत्तर करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन निकाला हुआ था और डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन करीबन पैंतालीस करोड़ इक्कीस लाख का निकाल के दिखाया हुआ था तो ये काफ़ी बड़ी बात है किसी रीजनल फिल्म का आना और इतने बड़े लेवल पे इतने बड़े पैमाने पे कलेक्शन करके दिखाना काफी बड़ी बात होती है पुष्पा एक पेन इंडिया फिल्म थी और उस फिल्म ने सिर्फ इकहत्तर करोड़ का कलेक्शन किया था और ये सिर्फ वर्जन की फिल्म है तो भी इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है तो देखने वाली बात है कि इस फिल्म से महेश बाबू का स्टारडम पूरी तरह से हमें पता चलता है जहां पे दो साल के बाद आने के बाद भी एक एवरेज फिल्म लेके आने के बाद भी काफी बढ़िया तरीके से फिल्म वर्क कर गई दूसरे दिन इस फिल्म का दो दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करोड़ का निकल के आया जहां पे दो दिन में इस फिल्म ने हंड्रेड करोड़ क्लब में एंट्री ले ली थी महेश बाबू के करियर में सातवीं फिल्म थी वहीं पर दो दिन में एंट्री करने वाली उनकी पहली फिल्म थी साथ ही में इस फिल्म ने करीबन पांच दिनों में एक करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिस तरह से एक एवरेज फिल्म ने इस तरह से पांच दिनों में नेट कलेक्शन करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था इंडिया में से वो भी काफी बड़ी बात थी इसके अलावा इस फिल्म ने जिस तरह से तेलुगू वर्जन से इतना कलेक्शन किया तो सभी लोगों को सरप्राइज कर दिया लेकिन सरप्राइज होने की बात नहीं थी क्योंकि महेश बाबू जैसी बड़े एक्टर की फिल्म आ रही हो और तेलुगु ऑडियंस उस फिल्म को सपोर्ट ना करे ऐसा हो नहीं सकता तेलुगू स्पीकिंग स्टेट में इस फिल्म ने तो इतना धमाका मचाया जिस वजह से सुबह शाम के सो जिस तरह से फूल जा रहे थे तो फिल्म को अच्छी खासी ओपनिंग और कलेक्शन मिलने ही थे इस फिल्म ने पहले वीक में सरकार वारी पाटा

के ऊपर जहां पे मैंने आपको कहा कि बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ऐसे ने क्रिएट किए हुए हैं जहां पे उन्होंने महेश बाबू के साथ चौथी बार कोलॉबरेट किया हुआ है इससे पहले आगाडो बिजनेसमैन डुकुडू जैसे कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया हुआ था परसुराम के साथ तीसरी बार कोलॉबरेट किया हुआ अंजन लू श्रीमस्तु सुभनस्तु में भी काम किया हुआ था इस फिल्म के ऑडियो राइट्स खरीदे हुए सारे गमाने जिन्होंने इस फिल्म के तेलुगु वर्जन को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी गानों को अवेलेबल किया हुआ है वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में इस फिल्म के गानों को दो हजार इक्कीस बाईस में रिकॉर्ड किया गया

ट्रैक को हरिका नारायण ने गाया हुआ है मामा महेशा को श्री कृष्णा और जोनिता गांधी ने गाया हुआ है वहीं पे सरकारों का जो है उसको हरिका नारायण श्रावण भार्गवी मनीषा इबरथिनी प्रत्युषा पोलपोथ श्री सौम्या वाराणसी और श्रुति रंजनी ने गाया हुआ है तो इस तरह से पांच गाने जिसकी लेंथ है उन्नीस मिनट छब्बीस सेकंड फिलहाल मेरे गाने सारे के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर तो दो से इस फिल्म की फिल्मिंग स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को इक्कीस नवंबर दो में हैदराबाद में एक फॉर्मल लॉन्च इवेंट के साथ स्टार्ट किया गया था जहाँ फिल्म की शूटिंग एक जनवरी दो से पूरी तरह से कंप्लीटली स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे हैदराबाद के कुछ लोकेशंस यूएस के दुबई के अलग अलग लोकेशन पर इस फिल्म को शूट किया गया था शारजा में फिल्म का चार वीक का शेड्यूल रखा गया था गोवा में फिल्म के कुछ क्लाइमेक्स शॉट को शूट किया गया था जहाँ पे एक्शन कोरियोग्राफर का राम लक्ष्मण देखने को मिले थे तो उनका एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा तो इस तरह से फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग लोकेशन में कोविड नाइन्टीन के बीच में शूट किया गया था और इन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए फिल्म को अप्रैल 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग के साथ काम किया गया था अब हम इस फिल्म की स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं उससे पहले मैं आपको कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसकी डिटेलिंग दे देता हूँ महेश बाबू ने महेश यानी कि मही जो फाउंडर है मही फाइनेंस कॉरपोरेशन का उसका रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने कालवती का रोल प्ले किया हुआ है सॉरी कलावती का समूथी रकानी ने एम पी राजेंद्र नाथ यानी कि कलावती के फादर का रोल प्ले किया हुआ था नादिया ने सीनियर बैंक ऑफिशियल राजकुमारी का रोल प्ले किया हुआ था सोमिया मेनन आपको सोमिया यानी कि कलावती

किरदार जिस तरह से फिल्म के टोन को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म की एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था फिल्म को आसानी से पंद्रह बीस मिनट छोटा किया जा सकता था अगर ये फिल्म ढाई घंटे की कम की रहती तो और बेहतर तरीके से एंगेजिंग और क्रिस्प नजर आती इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया है जहाँ पे हर एक फ्रेम काफी बढ़िया रीच नज़र आ रही थी जो कैमरा मैन ने जिस तरह से कलर टोन के साथ सभी चीज़ों को निकाला हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है फिल्म का आउटपुट आपको जरूर पसंद आने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से मिक्स रिस्पांस मिलते हुए बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन किया था अब उसकी स्टोरी के ऊपर बात करें तो महेश यानी कि महेश बाबू एक लोन रिकवरी बिजनेस मैन है जहाँ पर वो यू में रह रहे एक लड़की है जिसका नाम है कलावती जिसका रोल प्ले करे की सुरेश वो उनके पास एक लोन लेती है लेकिन उस लोन को फिर से उनको रीपे करना होता है लेकिन उसके लिए वो फेल हो जाती है और उसके बाद महेश बाबू उसको काफ़ी ज़्यादा वोन करता है धमकी देता है कि उसके पैसे वापस दे दे लेकिन कलावती ये सभी चीज़ें पापा जो एक पावरफुल इंसान है उसके पास चली जाती है जिसका नाम है राजेंद्र नाथ और इस मैटर राजेंद्र नाथ के पास पहुंच जाती है जहां पे वो रोल प्ले करे समूत्री रकानी और पूरी तरह से चीजें बदल जाती है अब महेश बाबू किसी भी चॉइस ना बचने की वजह से सीधा इंडिया आता है और राजेंद्र नाथ के पास चला जाता है अपने पैसे लेने के लिए लेकिन वहाँ पे एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से एक प्रॉपर वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है तो अब वो प्रॉब्लम क्या है राजेंद्र नाथ कौन है साथ ही में महेश इन सभी चीज़ों को किस तरह से हैंडल करता है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में जिस तरह से मैंने कहा कि जितनी बातें बताई जैसे कि महेश बाबू की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्शन रूटीन था कैमरा वर्क एडिटिंग में काम की जरूरत ही

तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी सरकारोवारी पाटा के नाम से वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो ने डिजिटल राइट्स अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए तेलुगु वर्जन के लिए तो ये फिल्म सरकारोवारी पाटा के नाम से थिएट्रिकली रिलीज जो बारह मई हुई है दो को उसके एक महीने के बाद ये फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्टार माँ के चैनल के ऊपर आपको ये फिल्म करीबन चार पाँच महीनों में थिएट्रिकल रिलीज के चार पाँच महीनों में सरकारोवाले पाता के नाम से देखने को मिलेगी फ्री में वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी जहां पे ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने के बाद अवेलेबल की जाएगी वहीं पे इस फिल्म के हिंदी राइट्स खरीदे हुए गोल्ड माइंस टेलीफिल्म हैं जिन्होंने अपने गोल्ड माइंस टेलीविजन चैनल पर इस फिल्म का एक प्रोमो आउट किया हुआ था डबिंग कंप्लीट नहीं की है जब तक इस फिल्म का तेलुगु वर्जन का जितना रिगार्डिंग काम है कंप्लीट नहीं हो जाता तेलुगु वर्जन पूरी तरह से तरीके से थिएट्रिकल रन कंप्लीट कर लेता है उसके बाद में थिएटर

प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे तेलुगु वर्जन में स्टार मा के ऊपर हिंदी टेलीविजन के ऊपर फ्री में देखने को मिलेगी अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में वहीं पे हिंदी वर्जन में गोलमाइंस वालों ने सेटेलाइट और यूट्यूब दोनों राइट्स खरीदे हुए तो वहां पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी हिंदी डब्ड वर्जन में तो इस तरह से आप ये फिल्म हिंदी और तेलुगु में इन्जॉय कर पाओगे सरकारो वारी पाटा जो दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है परशुराम ने जहाँ पे स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग सभी चीज़ें परशुराम ने ही क्रिएट की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो टोटल चार प्रोड्यूसर्स देखने को मिलेंगे नवीन यर्निनी वाई रविशंकर राम अचंटा गोपी चंद अचंटा इसके अलावा महेश बाबू ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है तो इस तरह से इतने को प्रोड्यूसर्स और साथ ही में महेश बाबू भी जुड़े हुए इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनीज मैथ्री मूवी मेकर्स फोर्टीन रील प्लस एंटरटेनमेंट जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट इन

और इसके अलावा इस फिल्म के रन टाइम को 160 मिनट के एडिटर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो महेश बाबू लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कीर्ति सुरेश समुथी रखानी नादिया सोमिया मेनन वेनेला किशोर जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे साथ ही में सुबा राजू अजय ब्रह्माजी तनिकेला भरानी पोसानी कृष्णा मुरली प्रभास रीनू महेश मांजरेकर रवि प्रकाश सत्यम राजेश नागाबाबू पवित्रा लोकेश राजश्री नेर गीता भास्कर अप्पाजी अम्बारी दरबा और आनंद बाबू जैसे कहीं बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जिन्होंने मिलकर इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है ओवरऑल और और इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में काम दिखाया हुआ है जहाँ पे सभी का काम काफी बेहतरीन निकल के आया हुआ है इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन 12 मई 2022 को जहां पे 160 मिनट के रन टाइम के साथ यूएस सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को रिलीज़ किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से बेहतरीन मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे एक सौ तो मिले हुए आई पे डी हज़ार वोट्स मिले हुए जहाँ पे छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को रेटिंग तो डिसेंट हासिल हुई है लेकिन जिस तरह से मिक्स रिव्यू मिला था उसके चलते लग रहा था कि ये फिल्म उतना वर्क नहीं करेगी लेकिन जिस तरह से महेश बाबू की हुई परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने प्रेज़ किया हुआ था जिस तरह से ऑडियंस ने पूरी तरह से इस फिल्म को सपोर्ट किया हुआ था दो साल के बाद महेश बाबू थिएटर में आ रहे थे अपनी फिल्म को लेकर तो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपनिंग दिलवाई इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा स्टार्ट दिलवाया हुआ है जहाँ पर इस फिल्म ने पहले दिन पे पचहत्तर करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन निकाला हुआ था और डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन करीबन पैंतालीस करोड़ इक्कीस लाख का निकाल के दिखाया हुआ था तो ये काफ़ी बड़ी बात है किसी रीजनल फिल्म का आना और इतने बड़े लेवल पे इतने बड़े पैमाने पे कलेक्शन करके दिखाना काफी बड़ी बात होती है पुष्पा एक पेन इंडिया फिल्म थी और उस फिल्म ने सिर्फ इकहत्तर करोड़ का कलेक्शन किया था और ये सिर्फ तेलुगु वर्जन की फिल्म है तो भी इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है तो देखने वाली बात है कि इस फिल्म से महेश बाबू का स्टारडम पूरी तरह से हमें पता चलता है जहां पे दो साल के बाद आने के बाद भी एक एवरेज फिल्म लेके आने के बाद भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म वर्क कर गई दूसरे दिन इस फिल्म का दो दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एक करोड़ का निकल के आया जहां पे दो दिन में इस फिल्म ने हंड्रेड करोड़ क्लब में एंट्री ले ली थी महेश बाबू के करियर में सातवीं फिल्म थी वहीं पर दो दिन में एंट्री करने वाली उनकी पहली फिल्म थी साथ ही में इस फिल्म ने करीबन पांच दिनों में एक करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिस तरह से एक एवरेज फिल्म ने इस तरह से पांच दिनों में नेट कलेक्शन करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था इंडिया में से वो भी काफी बड़ी बात थी इसके अलावा इस फिल्म ने जिस तरह से तेलुगू वर्जन से इतना कलेक्शन किया तो सभी लोगों को सरप्राइज कर दिया लेकिन सरप्राइज होने की बात नहीं थी क्योंकि महेश बाबू जैसे बड़े एक्टर की फिल्म आ रही हो और तेलुगु ऑडियंस उस फिल्म को सपोर्ट ना करे ऐसा हो नहीं सकता तेलगू स्पीकिंग स्टेट में इस फिल्म ने तो इतना धमाकमा चा जिस वजह से सुबह शाम के सो जिस तरह से फूल जा रहे थे तो फिल्म को अच्छी खासी ओपनिंग और कलेक्शन मिलने ही थे इस फिल्म ने पहले वीक में सरकार

के ऊपर जहां पे मैंने आपको कहा कि बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ऐसे स्थम ने क्रिएट किए हुए हैं जहां पे उन्होंने महेश बाबू के साथ चौथी बार कोलॉबरेट किया हुआ है इससे पहले आगाडू बिजनेसमैन डुकुड जैसे कहीं बेहतरीन फिल्मों में काम किया हुआ था परसुराम के साथ तीसरी बार कोलॉबरेट किया हुआ है अंजनयस्तु में भी काम किया हुआ था इस फिल्म के ऑडियो राइट्स खरीदे हुए सारे गमाने जिन्होंने इस फिल्म के तेलुगु वर्जन को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी गानों को अवेलेबल किया हुआ है वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में इस फिल्म के गानों को दो हजार में रिकॉर्ड किया गया

ट्रैक को हरिका नारायण ने गाया हुआ है मामा महेशा को श्री कृष्णा और जोनीता गांधी ने गाया हुआ है वहीं पे सरकारों का जो है उसको हरिका नारायण श्रावण भार्गवी मनीषा इबरथिनी प्रत्युषा पोलपोथ सी सौम्या वाराणसी और श्रुति रंजनी ने गाया हुआ है तो इस तरह से पांच गाने जिसकी लेंथ है उन्नीस मिनट छब्बीस सेकंड फिलहाल मे गाने सारे गमा के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर तो दो से इस फिल्म की फिल्मिंग स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को इक्कीस नवंबर दो में हैदराबाद में एक फॉर्मल लॉन्च इवेंट के साथ स्टार्ट किया गया था जहाँ फिल्म की शूटिंग एक जनवरी दो से पूरी तरह से कंप्लीटली स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे हैदराबाद के कुछ लोकेशंस यूएस के दुबई के अलग अलग लोकेशन पर इस फिल्म को शूट किया गया था शारजा में फिल्म का चार वीक का शेड्यूल रखा गया था गोवा में फिल्म के कुछ क्लाइमेक्स शॉट को शूट किया गया था जहाँ पे एक्शन कोरियोग्राफर का राम लक्ष्मण देखने को मिले थे तो उनका एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा तो इस तरह से फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग लोकेशन में कोविड नाइन्टीन के बीच में शूट किया गया था और इन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए फिल्म को अप्रैल 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग के साथ काम किया गया था अब हम इस फिल्म की स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं उससे पहले मैं आपको कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसकी डिटेलिंग दे देता हूँ महेश बाबू ने महेश यानी कि मही जो फाउंडर है मही फाइनेंस कॉरपोरेशन का उसका रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने कालवती का रोल प्ले किया हुआ है सॉरी कलावती का समूथी रकानी ने एम पी राजेंद्र नाथ यानी कि कलावती के फादर का रोल प्ले किया हुआ था नादिया ने सीनियर बैंक ऑफिशियल राजकुमारी का रोल प्ले किया हुआ था सोमिया मेनन आपको सोमिया यानी कि कलावती

किरदार जिस तरह से फिल्म के टोन को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म की एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था फिल्म को आसानी से पंद्रह बीस मिनट छोटा किया जा सकता था अगर ये फिल्म ढाई घंटे की कम की रही थी तो और बेहतर तरीके से एंगेजिंग और क्रिस्प नजर आती इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया है जहाँ पर हर एक फ्रेम काफी बढ़िया रीच नज़र आ रही थी जो कैमरा मैन ने जिस तरह से कलर टोन के साथ सभी चीज़ों को निकाला हुआ है वो काफी बढ़िया है फिल्म का आउटपुट आपको जरूर पसंद आने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से मिक्स रिस्पांस मिलते हुए बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन किया था अब उसकी स्टोरी के ऊपर बात करें तो महेश यानी कि महेश बाबू एक लोन रिकवरी बिजनेस मैन है जहाँ पर वो यू में रह रहे एक लड़की है जिसका नाम है कलावती जिसका रोल प्ले करे की सुरेश वो उनके पास एक लोन लेती है लेकिन उस लोन को फिर से उनको रीपे करना होता है लेकिन उसके लिए वो फेल हो जाती है और उसके बाद महेश बाबू उसको काफ़ी ज़्यादा वोन करता है धमकी देता है कि उसके पैसे वापस दे दे लेकिन कलावती ये सभी चीज़ें अपने पापा जो एक पावरफुल इंसान है उसके पास चली जाती है जिसका नाम है राजेंद्र नाथ और इस मैटर राजेंद्र नाथ के पास पहुंच जाती है जहां पे वो रोल प्ले करे समुति रकानी और पूरी तरह से चीजें बदल जाती है अब महेश बाबू किसी भी चॉइस ना बचने की वजह से सीधा इंडिया आता है और राजेंद्र नाथ के पास चला जाता है अपने पैसे लेने के लिए लेकिन वहाँ पे एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से एक प्रॉपर वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है तो अब वो प्रॉब्लम क्या है राजेंद्र नाथ कौन है साथ ही में महेश इन सभी चीज़ों को किस तरह से हैंडल करता है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में जिस तरह से मैंने कहा कि जितनी बातें बताई जैसे कि महेश बाबू की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्शन रूटीन था कैमरा वर्क एडिटिंग में काम की जरूरत थी

तेलुगू वर्जन में देखने को मिलेगी सरकारोवारी पाटा के नाम से वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो ने डिजिटल राइट्स अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए तेलुगु वर्जन के लिए तो ये फिल्म सरकारोवारी पाटा के नाम से थिएट्रिकली रिलीज जो बारह मई हुई है दो को उसके एक महीने के बाद ये फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्टार माँ के चैनल के ऊपर आपको ये फिल्म करीबन चार पाँच महीनों में थिएट्रिकल रिलीज के चार पाँच महीनों में सरकारोवाले पाता के नाम से देखने को मिलेगी फ्री में वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी जहां पे ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने के बाद अवेलेबल की जाएगी वहीं पे इस फिल्म के हिंदी राइट्स खरीदे हुए गोल्ड माइंस टेलीफिल्म हैं जिन्होंने अपने गोल्ड टेलीविजन चैनल पर इस फिल्म का एक प्रोमो आउट किया हुआ था डबिंग कंप्लीट नहीं की है जब तक इस फिल्म का तेलुगु वर्जन का जितना रिगार्डिंग काम है कंप्लीट नहीं हो जाता तेलुगु वर्जन पूरी तरीके से तरीके से थिएट्रिकल रन कंप्लीट कर लेता है उसके बाद में थिएटर

प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे तेलुगु वर्जन में स्टार मा के ऊपर हिंदी टेलीविजन के ऊपर फ्री में देखने को मिलेगी अमेजॉन प्राइम के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विध इंग्लिश सब टाइटल ये फिल्म देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में वहीं पे हिंदी वर्जन में गोलमाइंस वालों ने सैटेलाइट और यूट्यूब दोनों राइट्स खरीदे हुए तो वहां पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी हिंदी डब्ड वर्जन में तो इस तरह से आप ये फिल्म हिंदी और तेलुगु में एंजॉय कर पाओगे सरकारो वारी पाटा जो दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है परशुराम ने जहाँ पे स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग सभी चीज़ें परशुराम ने ही क्रिएट की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो टोटल चार प्रोड्यूसर्स देखने को मिलेंगे नवीन यर्निनी वाई रविशंकर राम अचंटा गोपी चंद अचंटा इसके अलावा महेश बाबू ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है तो इस तरह से इतने कोप प्रोड्यूसर्स और साथ ही में महेश बाबू भी जुड़े हुए इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनीज मैथ्री मूवी मेकर्स फोर्टीन रील प्लस एंटरटेनमेंट जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट इन

और इसके अलावा इस फिल्म के रन टाइम को 160 मिनट के एडिटर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो महेश बाबू लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कीर्ति सुरेश समुथी रखानी नादिया सोमिया मेनन वेनेला किशोर जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे साथ ही में सुबा राजू अजय ब्रह्माजी तनिकेला भरानी पोसानी कृष्णा मुरली प्रभास रीनू महेश मांजरेकर रवि प्रकाश सत्यम राजेश नागाबाबू पवित्रा लोकेश राजश्री नेर गीता भास्कर अप्पा जी दरबा और आनंद बाबू जैसे कहीं बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जिन्होंने मिलकर इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है ओवरऑल और और इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में काम दिखाया हुआ है जहाँ पे सभी का काम काफी बेहतरीन निकल के आया हुआ है इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन 12 मई 2022 को जहां पे 160 मिनट के रन टाइम के साथ यूएस सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को रिलीज़ किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से बेहतरीन मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे एक सौ मिले हुए आई एम डी वी पर मिले हुए जहाँ पे छः पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को रेटिंग तो डिसेंट हासिल हुई है लेकिन जिस तरह से मिक्स रिव्यू मिला था उसके चलते लग रहा था कि ये फिल्म उतना वर्क नहीं करेगी लेकिन जिस तरह से महेश बाबू की हुई परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने प्रेज़ किया हुआ था जिस तरह से ऑडियंस ने पूरी तरह से इस फिल्म को सपोर्ट किया हुआ था दो साल के बाद महेश बाबू थिएटर में आ रहे थे अपनी फिल्म को लेकर तो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपनिंग दिलवाई इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा स्टार्ट दिलवाया हुआ है जहाँ पर इस फिल्म ने पहले दिन पे पचहत्तर करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन निकाला हुआ था और डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन करीबन पैंतालीस करोड़ इक्कीस लाख का निकाल के दिखाया हुआ था तो ये काफ़ी बड़ी बात है किसी रीजनल फिल्म का आना और इतने बड़े लेवल पे इतने बड़े पैमाने पे कलेक्शन करके दिखाना काफी बड़ी बात होती है पुष्पा एक पेन इंडिया फिल्म थी और उस फिल्म ने सिर्फ इकहत्तर करोड़ का कलेक्शन किया था और ये सिर्फ तेलुगु वर्जन की फिल्म है तो भी इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है तो देखने वाली बात है कि इस फिल्म से महेश बाबू का स्टारडम पर पूरी तरह से हमें पता चलता है जहां पे दो साल के बाद आने के बाद भी एक एवरेज फिल्म लेके आने के बाद भी काफी बढ़िया तरीके से फिल्म वर्क कर गई दूसरे दिन इस फिल्म का दो दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एक करोड़ का निकल के आया जहाँ पे दो दिन में इस फिल्म ने हंड्रेड करोड़ क्लब में एंट्री ले ली थी महेश बाबू के करियर में सातवीं फिल्म थी वहीं पर दो दिन में एंट्री करने वाली उनकी पहली फिल्म थी साथ ही में इस फिल्म ने करीबन पांच दिनों में एक करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिस तरह से एक एवरेज फिल्म ने इस तरह से पांच दिनों में नेट कलेक्शन करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था इंडिया में से वो भी काफी बड़ी बात थी इसके अलावा इस फिल्म ने जिस तरह से वर्जन से इतना कलेक्शन किया तो सभी लोगों को सरप्राइज कर दिया लेकिन सरप्राइज होने की बात नहीं थी क्योंकि महेश बाबू जैसे बड़े एक्टर की फिल्म आ रही हो और तेलुगू ऑडियंस उस फिल्म को सपोर्ट ना करे ऐसा हो नहीं सकता तेलगू स्पीकिंग स्टेट में इस फिल्म ने तो इतना धमाकमा चा जिस वजह से सुबह शाम के सो जिस तरह से फूल जा रहे थे तो फिल्म को अच्छी खासी ओपनिंग और कलेक्शन मिलने ही थे इस फिल्म ने पहले वीक में सरकार

ट्रैक को हरिका नारायण ने गाया हुआ है मामा महेशा को श्री कृष्णा और जोनिता गांधी ने गाया हुआ है वहीं पे सरकारों का जो है उसको हरिका नारायण महाश्रवण भार्गवी मनीषा इबरथिनी प्रत्युषा पोलपोथ सी सौम्या वाराणसी और श्रुति रंजनी ने गाया हुआ है तो इस तरह से पांच गाने जिसकी लेंथ है उन्नीस मिनट छब्बीस सेकंड फिलहाल में गाने सारे के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर तो दो से इस फिल्म की फिल्मिंग स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को इक्कीस नवंबर दो में हैदराबाद में एक फॉर्मल लॉन्च इवेंट के साथ स्टार्ट किया गया था जहाँ फिल्म की शूटिंग एक जनवरी दो से पूरी तरह से कंप्लीटली स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे हैदराबाद के कुछ लोकेशन यूएस के दुबई के अलग अलग लोकेशन पर इस फिल्म को शूट किया गया था शारजा में फिल्म का चार वीक का शेड्यूल रखा गया था गोवा में फिल्म के कुछ क्लाइमेक्स शॉट को शूट किया गया था जहाँ पे एक्शन कोरियोग्राफर का राम लक्ष्मण देखने को मिले थे तो उनका एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा तो इस तरह से फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग लोकेशन में कोविड नाइन्टीन के बीच में शूट किया गया था और इन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए फिल्म को अप्रैल 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग के साथ काम किया गया था अब हम इस फिल्म की स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं उससे पहले मैं आपको कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसकी डिटेलिंग दे देता हूँ महेश बाबू ने महेश यानी कि मई जो फाउंडर है मही फाइनेंस कॉरपोरेशन का उसका रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने कालवती का रोल प्ले किया हुआ है सॉरी कलावती का समूथी रकानी ने एम पी राजेंद्र नाथ यानी कि कलावती के फादर का रोल प्ले किया हुआ था नादिया ने सीनियर बैंक ऑफिशियल राजकुमारी का रोल प्ले किया हुआ था सोमिया मेनन आपको सोमिया यानी कि कलावती

जिस तरह से फिल्म के टोन को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म की एडिटिंग में थोड़ा छोटा किया जा सकता था। अगर ये फिल्म की, तो की प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया है, हर एक फ्रेम काफी बढ़िया रीच नजर आ रही थी जो कैमरा मैन ने जिस तरह से कलर टोन के साथ सभी चीजों को निकाला हुआ है वो काफी बढ़िया है फिल्म का आउटपुट आपको जरूर पसंद आने वाला है स्टोरी के ऊपर बात करें तो महेश यानी कि महेश बाबू एक लोन रिकवरी बिजनेसमैन है जहां पर वो यूएस में रहे रहे एक लड़की है जिसका नाम है कलावती जिसका रोल प्ले करे सुरेश वो उनके पास एक लोन लेती है लेकिन उस लोन को फिर से उनको रीपे करना होता है लेकिन उसके लिए वो फेल हो जाती है और उसके बाद महेश बाबू उसको काफी ज्यादा वोन करता है धमकी देता है कि उसके पैसे वापस दे दे लेकिन कलावती ये सभी चीजें अपने पापा जो एक पावरफुल इंसान है उसके पास चली जाती है जिसका नाम है राजेंद्र नाथ और इस मैटर राजेंद्र नाथ के पास पहुंच जाती है जहां पे वो रोल प्ले करे समुद्री रखानी और पूरी तरह से चीजें बदल जाती है अब महेश बाबू किसी भी चॉइस ना बचने की वजह से सीधा इंडिया आता है और राजेंद्र नाथ के पास चला जाता है अपने पैसे लेने के लिए लेकिन वहाँ पे एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से एक प्रॉपर वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है तो अब वो प्रॉब्लम क्या है राजेंद्र नाथ कौन है साथ ही में महेश इन सभी चीज़ों को किस तरह से हैंडल करता है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में जिस तरह से मैंने कहा कि जितनी बातें बताई जैसे कि महेश बाबू की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्शन रूटीन था कैमरा वर्क एडिटिंग में काम की जरूरत थी

तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी सरकार वारी पाटा के नाम से वहीं पे अमेज़न प्राइम वीडियो ने डिजिटल राइट्स अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए तेलुगु वर्जन के लिए तो ये फिल्म सरकार वारी पाटा के नाम से थिएट्रिकली रिलीज़ जो 12 मई हुई है 2022 को उसके एक महीने के बाद ये फिल्म आपको अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्टार माँ के चैनल के ऊपर आपको ये फिल्म करीबन चार पाँच महीनों में थिएट्रिकल रिलीज़ के चार पाँच महीनों में सरकारों पाता के नाम से देखने को मिलेगी फ्री में वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी जहां पे ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने के बाद अवेलेबल की जाएगी वहीं पे इस फिल्म के हिंदी राइट्स खरीदे हुए गोलमाइस टेलीफिल्म ने जिन्होंने अपने गोलमांच टेलीविजन चैनल पर इस फिल्म का एक प्रोमो आउट किया हुआ था डबिंग कंप्लीट नहीं की है जब तक इस फिल्म का तेलुगु वर्जन का जितना रिगार्डिंग काम है कंप्लीट नहीं हो जाता तेलुगु वर्जन पूरी तरह से तरीके से थिएट्रिकल रन कंप्लीट कर लेता है उसके बाद में थिएटर और OTT पे अवेलेबल सॉरी सेटेलाइट और OTT पे अवेलेबल हो जाता है उसके बाद हिंदी वर्जन के ऊपर काम किया जाएगा और इस फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए महेश बाबू को शायद आपको वॉइस ओवर करते संकत महात्रेय ही देखने को मिलेंगे गोलमाइस वालों ने राइट्स खरीदे हुए हैं तो ये फिल्म आपको पहले टेलीविज़न पर गोलमाइंस के टेलीविजन पे चैनल पर देखने को मिलेगी उसके काफ़ी समय के बाद ये फिल्म यूट्यूब पे ऑफिशियली गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप हिंदी वर्जन को भी इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से आप तेलगू और हिंदी दोनों वर्जन को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे तेलुगू वर्जन में स्टार माँ के ऊपर से टेलीविजन के ऊपर फ्री में देखने को मिलेगी एमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में वहीं पर हिंदी वर्जन में गोलमैंस वालों ने सैटेलाइट और यूट्यूब दोनों राइट्स खरीदे हुए तो वहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी हिंदी डब्ड वर्जन में तो इस तरह से आप ये फिल्म हिंदी और तेलुगु में एन्जॉय कर पाओगे सरकारो वारी पाटा जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है परशुराम ने जहाँ पे स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग सभी चीज़ें परशुराम ने ही क्रिएट की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो टोटल चार प्रोड्यूसर्स देखने को मिलेंगे नवीन यर्निनी वाई रविशंकर राम अचंटा गोपीचंद अचंटा इसके अलावा महेश बाबू ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है तो इस तरह से इतने को प्रोड्यूसर्स और साथ ही में महेश बाबू भी जुड़े हुए इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनीज मैथ थ्री मूवी मेकर्स फोर्टीन रील प्लस एंटरटेनमेंट जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट इन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस के ट के मिला हुआ है एक सौ साठ मिनट यानी कि फिल्म दो घंटे 40 मिनट के आसपास भी देखने को मिलेगी इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क सिनेमाटोग्राफी आर मधी ने किए हुई है एडिटिंग माथन के वेंकटेश ने हुई है म्यूजिक दिया हुआ एस एस थमन ने और इसके अलावा इस फिल्म के रन टाइम को 160 मिनट के एडिटर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी एलिमेंट डाले हुए हैं और साथ ही में इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो महेश बाबू लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कीर्ति सुरेश समूथी रखानी नाद्या मेनन वेनेला किशोर जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे साथ ही में सुबाराजू अजय ब्रह्माजी तनिकेला भरानी पोषानी कृष्णा मुरली प्रभास रीनू महेश मांजरेकर रवि प्रकाश सत्यम राजेश नागाबाबू पवित्रा लोकेश राजश्री राजश्री नेर गीता भास्कर अप्पाजी अम्बा रिसा दरबा और आनंद बाबू जैसे कहीं बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जिन्होंने मिलकर इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है ओवरऑल इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में काम दिखाया हुआ है जहाँ पे सभी का काम काफी बेहतरीन निकल के आया हुआ है इस फिल्म को रिलीज किया गया था करीबन 12 मई 2022 को जहां पे 160 मिनट के रन टाइम के साथ यूएस सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को रिलीज किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से बेहतरीन मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे एक सौ मिले हुए आईएमडीबी पे 6100 हजार एक मिले हुए जहाँ पे छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को रे रेटिंग तो डिसेंट हासिल हुई है लेकिन जिस तरह से मिक्स रिव्यू मिला था उसके चलते लग रहा था कि ये फिल्म उतना वर्क नहीं करेगी लेकिन जिस तरह से महेश बाबू की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने प्रेज़ किया हुआ था जिस तरह से ऑडियंस ने पूरी तरह से इस फिल्म को सपोर्ट किया हुआ था दो साल के बाद महेश बाबू थिएटर में आ रहे थे अपनी फिल्म को लेकर तो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपनिंग दिलवाई इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा स्टार्ट दिलवाया हुआ है जहाँ पर इस फिल्म ने पहले दिन पर ही पचहत्तर करोड़ का वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन निकाला हुआ था और डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन करीबन पैंतालीस करोड़ इक्कीस लाख का निकाल के दिखाया हुआ था तो ये काफी बड़ी बात है किसी रीजनल फिल्म का आना और इतने बड़े लेवल पर इतने बड़े पैमाने पर पे कलेक्शन करके दिखाना काफ़ी बड़ी बात होती है पुष्पा एक पेन इंडिया फिल्म थी और उस फिल्म ने सिर्फ इकहत्तर करोड़ का कलेक्शन किया था और ये सिर्फ तेलुगु वर्जन की फिल्म है तो भी इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है तो देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म से महेश बाबू का स्टारडम पर पूरी तरह से हमें पता चलता है जहाँ पे दो साल के बाद आने के बाद भी एक एवरेज फिल्म लेके आने के बाद भी काफी बढ़िया तरीके से फिल्म वर्क कर गई दूसरे दिन इस फिल्म का दो दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एक करोड़ का निकल के आया जहाँ पे दो दिन में इस फिल्म ने हंड्रेड करोड़ क्लब में एंट्री ले ली थी महेश बाबू के करियर में सातवीं फिल्म थी वहीं पर दो दिन में एंट्री करने वाली उनकी पहली फिल्म थी साथ ही में इस फिल्म ने करीबन पाँच दिनों में एक करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिस तरह से एक एवरेज फिल्म ने इस तरह से पांच दिनों में नेट कलेक्शन करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था इंडिया में से वो भी काफी बड़ी बात थी इसके अलावा इस फिल्म ने जिस तरह से तेलुगु वर्जन से इतना कलेक्शन किया तो सभी लोगों को सरप्राइज कर दिया लेकिन सरप्राइज होने की बात नहीं थी क्योंकि महेश बाबू जैसे बड़े एक्टर की फिल्म आ रही हो और तेलुगु ऑडियंस उस फिल्म को सपोर्ट ना करे ऐसा हो नहीं सकता तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में इस फिल्म ने तो इतना धमाकमा चा जिस वजह से सुबह शाम के तरह से फूल जा रहे थे तो फिल्म को अच्छी खासी ओपनिंग और कलेक्शन मिलने ही थे इस फिल्म ने पहले वीक में सरकार वाली पार्टी

के ऊपर जहां पे मैंने आपको कहा कि बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ऐसे ने क्रिएट किए हुए हैं जहां पे उन्होंने महेश बाबू के साथ चौथी बार कोलॉबरेट किया हुआ है इससे पहले जैसे कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया हुआ था परसुराम के साथ तीसरी बार कोलॉबरेट किया हुआ है सुभनस्तु में भी काम किया हुआ था इस फिल्म के ऑडियो राइट्स खरीदे हुए सारे गमाने जिन्होंने इस फिल्म के तेलुगु वर्जन को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी गानों को अवेलेबल किया हुआ है वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में इस फिल्म के गानों को दो हजार में रिकॉर्ड किया गया

टाइटल हरिका नारायण ने गाया हुआ है मामा महेशा को श्री कृष्णा और जोनिता गांधी ने गाया हुआ है वहीं पे सरकारों का जो रेप सॉन्ग है उसको हरिका नारायण महा श्रावण भार्गवी मनीषा इबरथिनी प्रत्युषा पोलपोथु सी सौम्या वाराणसी और श्रुति रंजनी ने गाया हुआ है तो इस तरह से पांच गाने जिसकी लेंथ है उन्नीस मिनट छब्बीस सेकंड फ़िलहाल में गाने सारे गाँ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर तो दो से इस फिल्म की फिल्मिंग स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को इक्कीस नवंबर दो में हैदराबाद में एक फॉर्मल लॉन्च इवेंट के साथ स्टार्ट किया गया था जहाँ फिल्म की शूटिंग एक जनवरी दो से पूरी तरह से कंप्लीटली स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे हैदराबाद के कुछ लोकेशंस यूएस के दुबई के अलग अलग लोकेशन पर इस फिल्म को शूट किया गया था शारजा में फिल्म का चार वीक का शेड्यूल रखा गया था गोवा में फिल्म के कुछ क्लाइमैक्स शॉट को शूट किया गया था जहाँ पे एक्शन कोरियोग्राफर का राम लक्ष्मण देखने को मिले थे तो उनका एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा तो इस तरह से फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग लोकेशन में कोविड नाइन्टीन के बीच में शूट किया गया था और इन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए फिल्म को अप्रैल 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग के साथ काम किया गया था अब हम इस फिल्म की स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं उससे पहले मैं आपको कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसकी डिटेलिंग दे देता हूँ महेश बाबू ने महेश यानी कि मही जो फाउंडर है मही फाइनेंस कॉरपोरेशन का उसका रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने कालवती का रोल प्ले किया हुआ है सॉरी कलावती का समूथी रकानी ने एम पी राजेंद्र नाथ यानी कि कलावती के फादर का रोल प्ले किया हुआ था नादिया ने सीनियर बैंक ऑफिशियल राजकुमारी का रोल प्ले किया हुआ था सोमिया मेनन आपको सोमिया यानी कि कलावती के फ्रेंड के रोल में दिखाई देगी ब्रह्मा जी ने बैंक एम्प्लॉय ब्रह्मा जी का रोल प्ले किया होता पोसानी कृष्णा मुरली ने कॉलोनी प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया होता, प्रभात श्रीनु आपको रिकवरी एजेंट के रोल में दिखाई देंगे महेश मांजरेकर फाइनेंशियल मिनिस्टर के रोल में दिखाई देंगे तो इस तरह से कई बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने अलग अलग रोल प्ले किए हुए थे और लीड एक्टर

जिस तरह से फिल्म के टोन को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म की एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था फिल्म को आसानी से पंद्रह बीस मिनट छोटा किया जा सकता था अगर ये फिल्म ढाई घंटे की कम की रही थी तो और बेहतर तरीके से एंगेजिंग और क्रिस्प नज़र आती इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया है जहाँ पर हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया रीच नजर आ रही थी जो कैमरा मैन ने जिस तरह से कलर टोन के साथ सभी चीज़ों को निकाला हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है फिल्म का आउटपुट आपको जरूर पसंद आने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से मिक्स रिस्पॉन्स मिलते हुए बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन किया था अब उसकी स्टोरी के ऊपर बात करें तो महेश यानी कि महेश बाबू एक लोन रिकवरी बिजनेस मैन है जहाँ पर वो यू में रह रहे एक लड़की है जिसका नाम है कलावती जिसका रोल प्ले करे की सुरेश वो उनके पास एक लोन लेती है लेकिन उस लोन को फिर से उनको रीपे करना होता है लेकिन उसके लिए वो फ़ेल हो जाती है और उसके बाद महेश बाबू उसको काफ़ी ज़्यादा वोन करता है धमकी देता है कि उसके पैसे वापस दे दे लेकिन कलावती ये सभी चीज़ें अपने पापा जो एक पावरफुल इंसान है उसके पास चली जाती है जिसका नाम है राजेंद्र नाथ और इसमेंट राजेंद्र नाथ के पास पहुंच जाती है जहां पे वो रोल प्ले करे समुद्री रखानी और पूरी तरह से चीजें बदल जाती है अब महेश बाबू किसी भी चॉइस ना बचने की वजह से सीधा इंडिया आता है और राजेंद्र नाथ के पास चला जाता है अपने पैसे लेने के लिए लेकिन वहाँ पे एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से एक प्रॉपर वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है तो अब वो प्रॉब्लम क्या है राजेंद्र नाथ कौन है साथ ही में महेश इन सभी चीज़ों को किस तरह से हैंडल करता है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में जिस तरह से मैंने कहा कि जितनी बातें बताई जैसे कि महेश बाबू की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्शन रूटीन था कैमरा वर्क एडिटिंग में काम की जरूरत थी

तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी सरकार वारी पाटा के नाम से वहीं पे अमेज़न प्राइम वीडियो ने डिजिटल राइट्स अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए तेलुगु वर्जन के लिए तो ये फिल्म सरकार वारी पाटा के नाम से थिएट्रिकली रिलीज़ जो 12 मई हुई है 2022 को उसके एक महीने के बाद ये फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्टार माँ के चैनल के ऊपर आपको ये फिल्म करीबन चार पाँच महीनों में थिएट्रिकल रिलीज़ के चार पाँच महीनों में सरकारों वाले पाता के नाम से देखने को मिलेगी फ्री में वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म विद सब्सक्रिप्शन विथिंग सब टाइटल देखने को मिल जाएगी जहां पे ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने के बाद अवेलेबल की जाएगी वहीं पर इस फिल्म के हिंदी राइट्स खरीदे हुए गोलमाइस टेलीफिल्म ने जिन्होंने अपने गोलमाइस टेलीविजन चैनल पर इस फिल्म का एक प्रोमो आउट किया हुआ था डबिंग कंप्लीट नहीं की है जब तक इस फिल्म का तेलुगु वर्जन का जितना रिगार्डिंग काम है कंप्लीट नहीं हो जाता तेलुगु वर्जन पूरी तरह से तरीके से थिएट्रिकल रन कंप्लीट कर लेता है उसके बाद में थिएटर और ओटीटी पे अवेलेबल सॉरी सेटेलाइट और ओटीटी पे अवेलेबल हो जाता है उसके बाद हिंदी वर्जन के ऊपर काम किया जाएगा और इस फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए महेश बाबू को शायद आपको वॉइस ओवर करते कत संकत महात्रे ही देखने को मिलेंगे गोलमैंस वालों ने राइट्स खरीदे हुए हैं तो ये फिल्म आपको पहले टेलीविज़न पर गोलमैंस के टेलीविजन पे चैनल पर देखने को मिलेगी उसके काफ़ी समय के बाद ये फिल्म यूट्यूब पे ऑफिशियली गोलमैंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप हिंदी वर्जन को भी इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से आप तेलगू और हिंदी दोनों वर्जन को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे तेलगु वर्जन में स्टार माँ के ऊपर से के ऊपर फ्री में देखने को मिलेगी एमेजोन प्राइम के ऊपर तेलुगु वर्जन में वहीं पर हिंदी वर्जन में गोलमाइंस वालों ने सैटेलाइट और यूट्यूब दोनों राइट्स खरीदे हुए तो वहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी हिंदी टब्ड वर्जन में तो इस तरह से आप ये फिल्म हिंदी और तेलुगु में एंजॉय कर पाओगे सरकारोवारी पाटा जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है परशुराम ने जहाँ पे स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग सभी चीजें परशुराम ने ही क्रिएट की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो टोटल चार प्रोड्यूसर्स देखने को मिलेंगे नवीन यर्निनी वाई रविशंकर राम अचंटा गोपी चंद अचंटा इसके अलावा महेश बाबू ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है तो इस तरह से इतने को प्रोड्यूसर्स और साथ ही में महेश बाबू भी जुड़े हुए इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनीज मैथ्री मूवी मेकर्स फोर्टीन रील प्लस एंटरटेनमेंट जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट इन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म के ट के मिला हुआ है एक सौ साठ मिनट यानी कि फिल्म दो घंटे 40 मिनट के आसपास भी देखने को मिलेगी इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क सिनेमाटोग्राफी आर मधी ने किए हुई एडिटिंग माथन के वेंकटेश ने किए है म्यूजिक दिया हुआ एस एस थमन ने और इसके अलावा इस फिल्म के रन टाइम को 160 मिनट के एडिटर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी एलिमेंट डाले हुए हैं और साथ ही में इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो महेश बाबू को रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कीर्ति सुरेश समूथी रखानी नाद्या मेनन वेनेला किशोर जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे साथ ही में सुबार राजू अजय ब्रह्माजी तनिकेला भरानी पोषानी कृष्णा मुरली प्रभास रीनू महेश मांजरेकर रवि प्रकाश सत्यम राजेश नागाबाबू पवित्रा लोकेश राजश्री राजश्री नेर गीता भास्कर अप्पाजी अम्बारिशा दरबा और आनंद बाबू जैसे कहीं बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जिन्होंने मिलकर इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है ओवरऑल और और इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में काम दिखाया हुआ है जहाँ पे सभी का काम काफी बेहतरीन निकल के आया हुआ है इस फिल्म को रिलीज किया गया था करीबन 12 मई 2022 को जहां पे 160 मिनट के रन टाइम के साथ यूएस सर्टिफिकेट सा के साथ फिल्म को रिलीज किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से बेहतरीन मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे एक सौ अठ मिले हुए आई पे छह हजार एक मिले हुए जहाँ पे छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को रे रेटिंग तो डिसेंट हासिल हुई है लेकिन जिस तरह से मिक्स रिव्यू मिला था उसके चलते लग रहा था कि फिल्म उतना वर्क नहीं करेगी लेकिन जिस तरह से महेश बाबू की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने प्रेज किया हुआ था जिस तरह से ऑडियंस ने पूरी तरह से इस फिल्म को सपोर्ट किया हुआ था दो साल के बाद महेश बाबू थिएटर में आ रहे थे अपनी फिल्म को लेकर तो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपनिंग दिलवाई इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा स्टार्ट दिलवाया हुआ है जहाँ पर इस फिल्म ने पहले दिन पर ही पचहत्तर करोड़ का वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन निकाला हुआ था और डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन करीबन 45 करोड़ 21 लाख का निकाल के दिखाया हुआ था तो ये काफी बड़ी बात है किसी रीजनल फिल्म का आना और इतने बड़े लेवल पर इतने बड़े पैमाने पर पे कलेक्शन करके दिखाना काफी बड़ी बात होती है पुष्पा एक पेन इंडिया फिल्म थी और उस फिल्म ने सिर्फ इकहत्तर करोड़ का कलेक्शन किया था और ये सिर्फ तेलुगु वर्जन की फिल्म है तो भी इस फिल्म ने 75 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है तो देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म से महेश बाबू का स्टारडम पर पूरी तरह से हमें पता चलता है जहाँ पे दो साल के बाद आने के बाद भी एक एवरेज फिल्म लेके आने के बाद भी काफी बढ़िया तरीके से फिल्म वर्क कर गई दूसरे दिन इस फिल्म का दो दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एक 105 करोड़ का निकल के आया जहाँ पे दो दिन में इस फिल्म ने हंड्रेड करोड़ क्लब में एंट्री ले ली थी महेश बाबू के करियर में सातवीं फिल्म थी वहीं पर दो दिन में एंट्री करने वाली उनकी पहली फिल्म थी साथ ही में इस फिल्म ने करीबन पांच दिनों में एक करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिस तरह से एक एवरेज फिल्म ने इस तरह से पाँच दिनों में नेट कलेक्शन करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था इंडिया में से वो भी काफी बड़ी बात थी इसके अलावा इस फिल्म ने जिस तरह से तेलुगु वर्जन से इतना कलेक्शन किया तो सभी लोगों को सरप्राइज कर दिया लेकिन सरप्राइज होने की बात नहीं थी क्योंकि महेश बाबू जैसे बड़े एक्टर की फिल्म आ रही हो और तेलुगु ऑडियंस उस फिल्म को सपोर्ट ना करे ऐसा हो नहीं सकता तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में इस फिल्म ने तो इतना धमाका मचाया जिस वजह से सुबह शाम के सो जिस तरह से फूल जा रहे थे तो फिल्म को अच्छी खासी ओपनिंग और कलेक्शन मिलने ही थे इस फिल्म ने पहले वीक में सरकार वाली पार्टी करीबन एक सौ करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन निकाला एक एवरेज फिल्म थी जहां पे कुछ उतना कुछ खास नहीं था बड़ी बात है तो अभी फिलहाल में फिल्म चल रही है अभी थोड़ी स्लो हो चुकी है लेकिन जितना कलेक्शन करना था वो काफी बढ़िया तरीके से उसने किया हुआ है और ये दिखाता है प्योर स्टार महेश बात करें फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर जहां पे मैंने आपको कहा कि बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ऐसे ने क्रिएट किए हुए हैं जहां पे उन्होंने महेश बाबू के साथ चौथी बार कोलॉबरेट किया हुआ है इससे पहले आगाड़ो बिजनेसमैन डुकुडू जैसे कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया हुआ था परशुराम के साथ तीसरी बार कोलॉबरेट किया हुआ सुभनस्तु में भी काम किया हुआ था इस फिल्म के ऑडियो राइट्स खरीदे हुए हैं सारे गमाने जिन्होंने इस फिल्म के तेलुगु वर्जन को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी गानों को अवेलेबल किया हुआ है वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में इस फिल्म के गानों को दो हजार इक्कीस बाईस में रिकॉर्ड किया गया गया था बीस 20 मई 2022 को सभी गानों को रिलीज करवा दिया गया था पे कलावती को सिद्ध श्री राम ने गाया हुआ है पेनी को नकाश अजीज ने गाया हुआ है सरकार वारी पाता के टाइटल ट्रेक को हरिका नारायण ने गाया हुआ है मामा महेशा को श्री कृष्णा और जोनीता गांधी ने गाया हुआ है वहीं पे सरकार वारी पाता का जो रेप सॉन्ग है उसको हरिका नारायण महाश्रावण भार्गवी मनीषा इबरथिनी प्रत्युषा पोलपोथू सी सौम्या वाराणसी और श्रुति रंजनी ने गाया हुआ है तो इस तरह से पांच गाने जिसकी लेंथ है उन्नीस मिनट छब्बीस सेकंड फिलहाल में गाने सारे के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर तो दो से इस फिल्म की फिल्मिंग स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को इक्कीस नवंबर दो में हैदराबाद में एक फॉर्मल लॉन्च इवेंट के साथ स्टार्ट किया गया था जहाँ फिल्म की शूटिंग एक जनवरी दो से पूरी तरह से कंप्लीटली स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे हैदराबाद के कुछ लोकेशंस यूएस के दुबई के अलग अलग लोकेशन पे इस फिल्म को शूट किया गया था शारजा में फिल्म का चार वीक का शेड्यूल रखा गया था गोवा में फिल्म के कुछ क्लाइमैक्स शॉट को शूट किया गया था जहाँ पे एक्शन कोरियोग्राफर का राम लक्ष्मण देखने को मिले थे तो उनका एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा तो इस तरह से फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग लोकेशन में कोविड नाइन्टीन के बीच में शूट किया गया था और इन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए फिल्म को अप्रैल 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग के साथ काम किया गया था अब हम इस फिल्म की स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं उससे पहले मैं आपको कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसकी डिटेलिंग दे देता हूँ महेश बाबू ने महेश यानी कि मही जो फाउंडर है मही फाइनेंस कॉरपोरेशन का उसका रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने कालवती का रोल प्ले किया हुआ है सॉरी कलावती का समूथी रकानी ने एम पी राजेंद्र नाथ यानी कि कलावती के फादर का रोल प्ले किया हुआ था नादिया ने सीनियर बैंक ऑफिशियल राजकुमारी का रोल प्ले किया हुआ था सोमिया मेनन आपको सोमिया यानी कि कलावती

किरदार जिस तरह से फिल्म के टोन को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म की एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था फिल्म को आसानी से पंद्रह बीस मिनट छोटा किया जा सकता था अगर ये फिल्म ढाई घंटे की कम की रही थी तो और बेहतर तरीके से एंगेजिंग और क्रिस्प नजर आती इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया है जहाँ पर हर एक फ्रेम काफी बढ़िया रीच नजर आ रही थी जो कैमरा मैन ने जिस तरह से कलर टोन के साथ सभी चीज़ों को निकाला हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है फिल्म का आउटपुट आपको जरूर पसंद आने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से मिक्स रिस्पॉन्स मिलते हुए बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था अब उसकी स्टोरी के ऊपर बात करें तो महेश यानी कि महेश बाबू एक लोन रिकवरी बिजनेस मैन है जहाँ पर वो यूएस में रह रहे एक लड़की है जिसका नाम है कलावती जिसका रोल प्ले करे की सुरेश वो उनके पास एक लोन लेती है लेकिन उस लोन को फिर से उनको रीपे करना होता है लेकिन उसके लिए वो फ़ेल हो जाती है और उसके बाद महेश बाबू उसको काफ़ी ज़्यादा वोन करता है धमकी देता है कि उसके पैसे वापस दे दे लेकिन कलावती ये सभी चीज़ें अपने पापा जो एक पावरफुल इंसान है उसके पास चली जाती है जिसका नाम है राजेंद्र नाथ और इस मैटर राजेंद्र नाथ के पास पहुंच जाती है जहां पे वो रोल प्ले करे समुथी रकानी और पूरी तरह से चीजें बदल जाती है अब महेश बाबू किसी भी चॉइस ना बचने की वजह से सीधा इंडिया आता है और राजेंद्र नाथ के पास चला जाता है अपने पैसे लेने के लिए लेकिन वहाँ पे एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से एक प्रॉपर वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है तो अब वो प्रॉब्लम क्या है राजेंद्र नाथ कौन है साथ ही में महेश इन सभी चीज़ों को किस तरह से हैंडल करता है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में जिस तरह से मैंने कहा कि जितनी बातें बताई जैसे कि महेश बाबू की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्शन रूटीन था कैमरा वर्क एडिटिंग में काम की जरूरत थी कैमरा वर्क काफ़ी बढ़िया था म्यूजिक डिपार्टमेंट अच्छा था डिसेंट था गाने थोड़े बढ़िया थे तो इस तरह से इस फिल्म में आपको मिक्स रिस्पॉन्स में देखने को मिले अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के ओटीटी रिलीज के ऊपर और सैटेलाइट राइट्स के ऊपर साथ ही में हिंदी डाउट वर्जन के सैटेलाइट और ओटीटी रिलीज के ऊपर तो अब मैं आपको बता दूं इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स थे तेलुगु वर्जन के लिए उसको खरीदा हुआ स्टार नेटवर्क ने तो ये फिल्म आपको स्टार मां के चैनल के ऊपर तेलगु वर्जन में देखने को मिलेगी सरकारोवारी पाटा के नाम से वहीं पे अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल राइट्स अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए तेलुगु वर्जन के लिए तो ये फिल्म सरकारोवारी पाटा के नाम से थिएट्रिकली रिलीज जो 12 मई हुई है 2022 को उसके एक महीने के बाद ये फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्टार माँ के चैनल के ऊपर आपको ये फिल्म करीबन चार पाँच महीनों में थिएट्रिकल रिलीज के चार पाँच महीनों में सरकारों पाता के नाम से देखने को मिलेगी फ्री में वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी जहां पे यह फिल्म थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने के बाद अवेलेबल की जाएगी वहीं पे इस फिल्म के हिंदी राइट्स खरीदे हुए गोलमाइंस टेलीफिल्म ने जिन्होंने अपनी गोल्ड टेलीविजन चैनल पर इस फिल्म का एक प्रोमो आउट किया हुआ था डबिंग कंप्लीट नहीं की है जब तक इस फिल्म का तेलुगु वर्जन का जितना रिगार्डिंग काम कंप्लीट नहीं हो जाता तेलुगु वजन पूरी तरीके से, से और पे अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद हिंदी वर्जन के, के, के लिए महेश को शायद आपको वॉइस महात्रेय देखने को मिलेंगे गोलमाइस वालों ने राइट्स खरीदे हुए तो यह फिल्म आपको पहले टेलीविजन पर गोलमेन्स के टेलीविजन पे चैनल पर देखने को मिलेगी उसके काफी समय के बाद यह फिल्म ऑफिशियली गोलमेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप हिंदी वर्जन को भी इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से आप तेलगु और हिंदी दोनों वर्जन को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे जहां पे तेलगु वर्जन में स्टार माँ के ऊपर टेलीविजन के ऊपर फ्री में देखने को मिलेगी एमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब टाइटल ये फिल्म देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में वहीं पे हिंदी वर्जन में गोलमांस वालों ने सैटेलाइट और यूट्यूब दोनों राइट्स खरीदे हुए तो वहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी हिंदी टब्ड वर्जन में तो इस तरह से आप ये फिल्म हिंदी और तेलुगु में इन्जॉय कर पाओगे सरकारो वारी पाटा जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है परशुराम ने जहाँ पे स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग सभी चीज़ें परशुराम ने ही क्रिएट की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो टोटल चार प्रोड्यूसर्स देखने को मिलेंगे नवीन यर्निनी वाई रविशंकर राम अचंटा गोपीचंद अचंटा इसके अलावा महेश बाबू ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है तो इस तरह से इतने कोप प्रोड्यूसर्स और साथ ही में महेश बाबू भी जुड़े हुए इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनीज मैथ्री मूवी मेकर्स फोर्टीन रील प्लस एंटरटेनमेंट जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट इन

और इसके अलावा इस फिल्म के रन टाइम को 160 मिनट मीटर के एडिटर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो महेश बाबू को लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कीर्ति सुरेश समुथी रखानी नादिया सोमिया मेनन वेनेला किशोर जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे साथ ही में सुबाराजू अजय ब्रह्माजी तनिकेला भरानी पोसानी कृष्णा मुरली प्रभास सीनू महेश मांजरेकर रवि प्रकाश सत्यम राजेश नागाबाबू पवित्रा लोकेश राजश्री नेर गीता भास्कर अप्पाजी अम्बा रिशा दरबा और आनंद बाबू जैसे कहीं बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जिन्होंने मिलकर इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है ओवरऑल इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में काम दिखाया हुआ है जहाँ पे सभी का काम काफी बेहतरीन निकल के आया हुआ है इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन 12 मई 2022 को जहां पे 160 मिनट के रन टाइम के साथ यूएस सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को रिलीज़ किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से बेहतरीन मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे एक सौ सौ वोट्स मिले हुए आई पे 6100 हज़ार एक सौ वोट्स मिले हुए जहाँ पे छः पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को रे, रेटिंग तो डिसेंट हासिल हुई है लेकिन जिस तरह से मिक्स रिव्यू मिला था उसके चलते लग रहा था कि ये फिल्म उतना वर्क नहीं करेगी लेकिन जिस तरह से महेश बाबू की हुई परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने प्रेज़ किया हुआ था जिस तरह से ऑडियंस ने पूरी तरह से इस फिल्म को सपोर्ट किया हुआ था दो साल के बाद महेश बाबू थिएटर में आ रहे थे अपनी फिल्म को लेकर तो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपनिंग दिलवाई इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा स्टार्ट दिलवाया हुआ है जहाँ पर इस फिल्म ने पहले दिन पे पचहत्तर करोड़ का वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन निकाला हुआ था और डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन करीबन पैंतालीस करोड़ इक्कीस लाख का निकाल के दिखाया हुआ था तो ये काफ़ी बड़ी बात है किसी रीजनल फिल्म का आना और इतना बड़े लेवल पे इतने बड़े पैमाने पे कलेक्शन करके दिखाना काफ़ी बड़ी बात होती है पुष्पा एक पेन इंडिया फिल्म थी और उस फिल्म ने सिर्फ इकहत्तर करोड़ का कलेक्शन किया था और ये सिर्फ वर्जन की फिल्म है तो भी इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है तो देखने वाली बात ये कि इस फिल्म से महेश बाबू का स्टारडम पूरी तरह से हमें पता चलता है जहां पे दो साल के बाद आने के बाद भी एक एवरेज फिल्म लेके आने के बाद भी एक करोड़ का निकल के आया क्लब में एंट्री ले ली थी महेश बाबू के करियर में सातवीं फिल्म थी वहीं पर दो दिन में एंट्री करने वाली उनकी पहली फिल्म थी साथ ही में इस फिल्म ने करीबन पांच दिनों में एक करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिस तरह से एक एवरेज फिल्म ने इस तरह से पांच दिनों में नेट कलेक्शन करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था इंडिया में से वो भी काफी बड़ी बात थी इसके अलावा इस फिल्म ने जिस तरह से तेलुगु वर्जन से इतना कलेक्शन किया तो सभी लोगों को सरप्राइज कर दिया लेकिन सरप्राइज होने की बात नहीं थी क्योंकि महेश बाबू जैसे बड़े एक्टर की फिल्म आ रही हो और तेलगू ऑडियंस उस फिल्म को सपोर्ट ना करे ऐसा हो नहीं सकता तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में इस फिल्म ने तो इतना धमाकमा था जिस वजह से सुबह शाम के शो जिस तरह से फूल जा रहे थे तो फिल्म को अच्छी खासी ओपनिंग और कलेक्शन मिलने ही थे इस फिल्म ने पहले वीक में सरकार वाली पार्टी ने करीबन एक से पचहत्तर करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन निकाला हुआ है तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि 60 करोड़ के के बजट सामने बनी फिल्म एक एवरेज फिल्म थी जहां पे कुछ उतना कुछ खास नहीं था महेश बाबू को छोड़ फिल्म फिल्म में कुछ बढ़िया नहीं था फिर भी देखी करोड़ कर, कर जाती है तो काफी बड़ी बात है तो अभी फिलहाल में फिल्म चल रही है अभी थोड़ी स्लो हो चुकी है लेकिन जितना कलेक्शन करना था वो काफी बढ़िया तरीके से उसने किया हुआ है और ये दिखाता है प्योर स्टार महेश बाबू का अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर जहाँ पे मैंने आपको कहा कि बैकग्राउंड दोनों ऐसे पहले कई बेहतरीन में काम किया हुआ था के साथ बार किया हुआ। में भी काम किया हुआ था इस फिल्म के ऑडियो राइट्स खरीदे हुए सारे गमाने जिन्होंने तेलुगु वर्जन को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी गानों को अवेलेबल किया है वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में इस फिल्म के गानों को दो हजार में रिकॉर्ड किया गया

ट्रेक को हरिका नारायण ने गाया हुआ है मामा महेशा को श्री कृष्ण और जोनिता गांधी ने गाया हुआ है वहीं पे सरकारों का जो रेप सॉन्ग है उसको हरिका नारायण श्रावण भार्गवी मनीषा इबरथिनी प्रत्युषा पोलपोथु सी सौम्या वाराणसी और श्रुति रंजनी ने गाया हुआ है तो इस तरह से पांच गाने जिसकी लेंथ है उन्नीस मिनट छब्बीस सेकंड फिलहाल में गाने सारे के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर तो दो से इस फिल्म की फिल्मिंग स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को इक्कीस नवंबर दो में हैदराबाद में एक फॉर्मल लॉन्च इवेंट के साथ स्टार्ट किया गया था जहाँ फिल्म की शूटिंग एक जनवरी दो से पूरी तरह से कंप्लीटली स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे हैदराबाद के कुछ लोकेशंस यूएस के दुबई के अलग अलग लोकेशन पे इस फिल्म को शूट किया गया था शारजा में फिल्म का चार वीक का शेड्यूल रखा गया था गोवा में फिल्म के कुछ क्लाइमैक्स शॉट को शूट किया गया था जहाँ पे एक्शन कोरियोग्राफर का राम लक्ष्मण देखने को मिले थे तो उनका एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा तो इस तरह से फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग लोकेशन में कोविड नाइन्टीन के बीच में शूट किया गया था और इन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए फिल्म को अप्रैल 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग के साथ काम किया गया था अब हम इस फिल्म की स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं उससे पहले मैं आपको कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसकी डिटेलिंग दे देता हूँ महेश बाबू ने महेश यानी कि मही जो फाउंडर है मही फाइनेंस कॉरपोरेशन का उसका रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने कालवती का रोल प्ले किया हुआ है सॉरी कलावती का समूथी रकानी ने एम पी राजेंद्र नाथ यानी कि कलावती के फादर का रोल प्ले किया हुआ था नादिया ने सीनियर बैंक ऑफिशियल राजकुमारी का रोल प्ले किया हुआ था सोमिया मेनन आपको सोमिया यानी कि कलावती

दार जिस तरह से फिल्म के टोन को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म की एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था फिल्म को आसानी से पंद्रह बीस मिनट छोटा किया जा सकता था अगर ये फिल्म ढाई घंटे की कम की रही थी तो और बेहतर तरीके से एंगेजिंग और क्रिस्प नजर आती इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया है जहाँ पर हर एक फ्रेम काफी बढ़िया रीच नजर आ रही थी जो कैमरा मैन ने जिस तरह से कलर टोन के साथ सभी चीज़ों को निकाला हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है फिल्म का आउटपुट आपको जरूर पसंद आने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से मिक्स रिस्पॉन्स मिलते हुए बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन किया था अब उसकी स्टोरी के ऊपर बात करें तो महेश यानी कि महेश बाबू एक लोन रिकवरी बिजनेस मैन है जहाँ पे वो यूएस में रह रहे एक लड़की है जिसका नाम है कलावती जिसका रोल प्ले करे की सुरेश वो उनके पास एक लोन लेती है लेकिन उस लोन को फिर से उनको रीपे करना होता है लेकिन उसके लिए वो फ़ेल हो जाती है और उसके बाद महेश बाबू उसको काफ़ी ज़्यादा वोन करता है धमकी देता है कि उसके पैसे वापस दे दे लेकिन कलावती ये सभी चीज़ें अपने पापा जो एक पावरफुल इंसान है उसके पास चली जाती है जिसका नाम है राजेंद्र नाथ और इस मैटर राजेंद्र नाथ के पास पहुंच जाती है जहां पे वो रोल प्ले करे समुद्री रकानी और पूरी तरह से चीजें बदल जाती है अब महेश बाबू किसी भी चॉइस ना बचने की वजह से सीधा इंडिया आता है और राजेंद्र नाथ के पास चला जाता है अपने पैसे लेने के लिए लेकिन वहाँ पे एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से एक प्रॉपर वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है तो अब वो प्रॉब्लम क्या है राजेंद्र नाथ कौन है साथ ही में महेश इन सभी चीज़ों को किस तरह से हैंडल करता है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में जिस तरह से मैंने कहा कि जितनी बातें बताई जैसे कि महेश बाबू की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्शन रूटीन था कैमरा वर्क एडिटिंग में काम की ज़रूरत थी कैमरा वर्क काफ़ी बढ़िया था म्यूजिक डिपार्टमेंट अच्छा था डिसेंट था गाने थोड़े बढ़िया थे तो इस तरह से इस फिल्म में आपको मिक्स रिस्पॉन्स में देखने को मिला लेगा अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के ओटीटी रिलीज के ऊपर और सैटेलाइट राइट्स के ऊपर साथ ही में हिंदी डाउट वर्जन के सैटेलाइट और ओटीटी रिलीज के ऊपर तो अब मैं आपको बता दूं इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स थे तेलुगु वर्जन के लिए उसको खरीदा हुआ स्टार नेटवर्क ने तो ये फिल्म आपको स्टार मां के चैनल के ऊपर तेलगु वर्जन में देखने को मिलेगी सरकारोवारी पाटा के नाम से वहीं पे अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल राइट्स अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए तेलुगु वर्जन के लिए तो ये फिल्म सरकारोवारी पाटा के नाम से थिएट्रिकली रिलीज जो 12 मई हुई है 2022 को उसके एक महीने के बाद ये फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्टार माँ के चैनल के ऊपर आपको ये फिल्म करीबन चार पाँच महीनों में थिएट्रिकल रिलीज के चार पाँच महीनों में सरकार वाले पाता के नाम से देखने को मिलेगी फ्री में वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी जहाँ पे यह फिल्म थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने के बाद अवेलेबल की जाएगी वहीं पे इस फिल्म के हिंदी राइट्स खरीदे हुए गोल्ड माइंस टेलीफिल्म हैं जिन्होंने अपनी गोल्ड टेलीविजन चैनल पर इस फिल्म का एक प्रोमो आउट किया हुआ था डबिंग कंप्लीट नहीं की है जब तक इस फिल्म का तेलुगु वर्जन का जितना रिगार्डिंग काम कंप्लीट नहीं हो जाता तेलुगु वजन पूरी तरीके से, से थिएट्रिकल रन कंप्लीट कर लेता है उसके बाद में और, OTT पे और इस फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए महेश बाबू को शायद आपको वॉइस महा देखने को मिलेंगे गोलमाइस वालों ने राइट्स खरीदे हुए हैं तो यह फिल्म आपको पहले टेलीविजन पे गोलमेन्स के टेलीविजन पे चैनल पर देखने को मिलेगी उसके काफी समय के बाद यह फिल्म ऑफिशियली गोलमानस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप हिंदी वर्जन को भी इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से आप तेलगु और हिंदी दोनों वर्जन को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे जहां पे तेलगु वर्जन में स्टार माँ के ऊपर से टेलीविजन के ऊपर फ्री में देखने को मिलेगी अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन सब टाइटल ये फिल्म देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में वहीं पे हिंदी वर्जन में गोलमांस वालों ने सैटेलाइट और यूट्यूब दोनों राइट्स खरीदे हुए तो वहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी हिंदी टब्ड वर्जन में तो इस तरह से आप ये फिल्म हिंदी और तेलुगु में एन्जॉय कर पाओगे सरकारो वारी पाटा जो दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है परशुराम ने जहाँ पे स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग सभी चीज़ें परशुराम ने ही क्रिएट की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो टोटल चार प्रोड्यूसर्स देखने को मिलेंगे नवीन यर्निनी वाई रविशंकर राम अचंटा गोपीचंद अचंटा इसके अलावा महेश बाबू ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है तो इस तरह से इतने को प्रोड्यूसर्स और साथ ही में महेश बाबू भी जुड़े हुए इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनीज मैथ्री मूवी मेकर्स फोर्टीन रील प्लस एंटरटेनमेंट जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट इन साथ बनाया गया जहां पे फिल्म का करीबन 160 है टाइम सौ 160 मिनट यानी कि फिल्म दो घंटे 40 मिनट के आसपास भी देखने को मिलेगी इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा विनेमाटोग्राफी आर मधी ने किए हुई है एडिटिंग माथन के वेंकटेश ने हुई है म्यूजिक दिया हुआ एस एस थमन ने और इसके अलावा इस फिल्म के रन टाइम को 160 मिनट मीटर के एडिटर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो महेश बाबू को रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कीर्ति सुरेश समुथी रखानी नादिया सोमिया मेनन वेनेला किशोर जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे साथ ही में सुब्बा राजू अजय ब्रह्माजी तनिकेला भरानी पोसानी कृष्णा मुरली प्रभास रीनू महेश मांजरेकर रवि प्रकाश सत्यम राजेश नागाबाबू पवित्रा लोकेश राजश्री नेर गीता भास्कर अप्पा जी अम्बाशा दरबा और आनंद बाबू जैसे कहीं बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जिन्होंने मिलकर इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है ओवरऑल इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में काम दिखाया हुआ है जहाँ पे सभी का काम काफी बेहतरीन निकल के आया हुआ है इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन 12 मई 2022 को जहां पे 160 मिनट के रन टाइम के साथ यूएस सर्टिफिकेट सा के साथ फिल्म को रिलीज़ किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से बेहतरीन मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे एक सौ सौ वोट्स मिले हुए आई पे 6100 हज़ार एक वोट्स मिले हुए जहाँ पे छः पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को रेटिंग तो डिसेंट हासिल हुई है लेकिन जिस तरह से मिक्स रिव्यू मिला था उसके चलते लग रहा था कि ये फिल्म उतना वर्क नहीं करेगी लेकिन जिस तरह से महेश बाबू की हुए परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने प्रेज़ किया हुआ था जिस तरह से ऑडियंस ने पूरी तरह से इस फिल्म को सपोर्ट किया हुआ था दो साल के बाद महेश बाबू थिएटर में आ रहे थे अपनी फिल्म को लेकर तो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपनिंग दिलवाई इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा स्टार्ट दिलवाया हुआ है जहाँ पर इस फिल्म ने पहले दिन पे पचहत्तर करोड़ का वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन निकाला हुआ था और डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन करीबन पैंतालीस करोड़ इक्कीस लाख का निकाल के दिखाया हुआ था तो ये काफ़ी बड़ी बात है किसी रीजनल फिल्म का आना और इतना बड़े लेवल पे इतने बड़े पैमाने पे कलेक्शन करके दिखाना काफ़ी बड़ी बात होती है पुष्पा एक पेन इंडिया फिल्म थी और उस फिल्म ने सिर्फ इकहत्तर करोड़ का कलेक्शन किया था और ये सिर्फ वर्जन की फिल्म है तो भी इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है तो देखने वाली बात ये कि इस फिल्म से महेश बाबू का स्टारडम पर पूरी तरह से हमें पता चलता है जहां पे दो साल के बाद आने के बाद भी एक एवरेज फिल्म लेके आने के बाद भी काफी बढ़िया तरीके से फिल्म वर्क कर गई दूसरे दिन इस फिल्म का दो दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एक करोड़ का निकल के आया जहाँ पे दो दिन में इस फिल्म ने हंड्रेड करोड़ क्लब में एंट्री ले ली थी महेश बाबू के करियर में सातवीं फिल्म थी वहीं पर दो दिन में एंट्री करने वाली उनकी पहली फिल्म थी साथ ही में इस फिल्म ने करीबन पांच दिनों में एक करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिस तरह से एक एवरेज फिल्म ने इस तरह से पांच दिनों में नेट कलेक्शन सौ करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था इंडिया में से वो भी काफी बड़ी बात थी इसके अलावा इस फिल्म ने जिस तरह से तेलुगु वर्जन से इतना कलेक्शन किया तो सभी लोगों को सरप्राइज कर दिया लेकिन सरप्राइज होने की बात नहीं थी क्योंकि महेश बाबू जैसे बड़े एक्टर की फिल्म आ रही हो और तेलुगु ऑडियंस उस फिल्म को सपोर्ट ना करे ऐसा हो नहीं सकता तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में इस फिल्म ने तो इतना धमाका मचा जिस वजह से सुबह शाम के सो जिस तरह से फूल जा रहे थे तो फिल्म को अच्छी खासी ओपनिंग और कलेक्शन मिलने ही थे इस फिल्म ने पहले वीक में सरकार वाली पार्टी ने करीबन एक से एक करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन निकाला हुआ है तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि 60 करोड़ के बजट के सामने बनी फिल्म एक एवरेज फिल्म थी जहां पे कुछ उतना कुछ खास नहीं था महेश बाबू को छोड़ दे था फिर भी फिल्म एक 170 -180 करोड़ कर जाती है तो काफी बड़ी बात है तो अभी फिलहाल में फिल्म चल रही है अभी थोड़ी स्लो हो चुकी है लेकिन जितना कलेक्शन करना था वो काफी बढ़िया तरीके से उसने किया हुआ है और ये दिखाता है प्योर स्टार महेश बाबू का अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट

ट्रेक को हरिका नारायण ने गाया हुआ है मामा महेशा को श्री कृष्ण और जोनिता गांधी ने गाया हुआ है वहीं पे सरकारों का जो रेप सॉन्ग है उसको हरिका नारायण महा श्रावण भार्गवी मनीषा इबरथिनी प्रत्युषा पोलपोथु सी सौम्या वाराणसी और श्रुति रंजनी ने गाया हुआ है तो इस तरह से पांच गाने जिसकी लेंथ है उन्नीस मिनट छब्बीस सेकंड फिलहाल में गाने सारे के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर तो दो से इस फिल्म की फिल्मिंग स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को इक्कीस नवंबर दो में हैदराबाद में एक फॉर्मल लॉन्च इवेंट के साथ स्टार्ट किया गया था जहाँ फिल्म की शूटिंग एक जनवरी दो से पूरी तरह से कंप्लीटली स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे हैदराबाद के कुछ लोकेशंस यूएस के दुबई के अलग अलग लोकेशन पे इस फिल्म को शूट किया गया था शारजा में फिल्म का चार वीक का शेड्यूल रखा गया था गोवा में फिल्म के कुछ क्लाइमैक्स शॉट को शूट किया गया था जहाँ पे एक्शन कोरियोग्राफर का राम लक्ष्मण देखने को मिले थे तो उनका एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा तो इस तरह से फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग लोकेशन में कोविड नाइन्टीन के बीच में शूट किया गया था और इन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए फिल्म को अप्रैल 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग के साथ काम किया गया था अब हम इस फिल्म की स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं उससे पहले मैं आपको कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसकी डिटेलिंग दे देता हूँ महेश बाबू ने महेश यानी कि मही जो फाउंडर है मही फाइनेंस कॉरपोरेशन का उसका रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने कालवती का रोल प्ले किया हुआ है सॉरी कलावती का समूथी रकानी ने एम पी राजेंद्र नाथ यानी कि कलावती के फादर का रोल प्ले किया हुआ था नादिया ने सीनियर बैंक ऑफिशियल राजकुमारी का रोल प्ले किया हुआ था सोमिया मेनन आपको सोमिया यानी कि कलावती

जिस तरह से फिल्म के टोन को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म की एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था फिल्म को आसानी से पंद्रह बीस मिनट छोटा किया जा सकता था अगर ये फिल्म ढाई घंटे की कम की रही थी तो और बेहतर तरीके से एंगेजिंग और क्रिस्प नज़र आती इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया है जहाँ पर हर एक फ्रेम काफी बढ़िया रीच नजर आ रही थी जो कैमरा मैन ने जिस तरह से कलर टोन के साथ सभी चीज़ों को निकाला हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है फिल्म का आउटपुट आपको जरूर पसंद आने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से मिक्स रिस्पॉन्स मिलते हुए बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था अब उसकी स्टोरी के ऊपर बात करें तो महेश यानी कि महेश बाबू एक लोन रिकवरी बिजनेस मैन है जहाँ पर वो यू में रह रहे एक लड़की है जिसका नाम है कलावती जिसका रोल प्ले करे की सुरेश वो उनके पास एक लोन लेती है लेकिन उस लोन को फिर से उनको रीपे करना होता है लेकिन उसके लिए वो फेल हो जाती है और उसके बाद महेश बाबू उसको काफ़ी ज़्यादा वोन करता है धमकी देता है कि उसके पैसे वापस दे दे लेकिन कलावती ये सभी चीज़ें अपने पापा जो एक पावरफुल इंसान है उसके पास चली जाती है जिसका नाम है राजेंद्र नाथ और इस मैटर राजेंद्र नाथ के पास पहुंच जाती है जहां पे वो रोल प्ले करे समूत्री रकानी और पूरी तरह से चीजें बदल जाती है अब महेश बाबू किसी भी चॉइस ना बचने की वजह से सीधा इंडिया आता है और राजेंद्र नाथ के पास चला जाता है अपने पैसे लेने के लिए लेकिन वहाँ पे एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से एक प्रॉपर वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है तो अब वो प्रॉब्लम क्या है राजेंद्र नाथ कौन है साथ ही में महेश इन सभी चीज़ों को किस तरह से हैंडल करता है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में जिस तरह से मैंने कहा कि जितनी बातें बताई जैसे कि महेश बाबू की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्शन रूटीन था कैमरा वर्क एडिटिंग में काम की ज़रूरत थी कैमरा वर्क काफ़ी बढ़िया था म्यूजिक डिपार्टमेंट अच्छा था डिसेंट था गाने थोड़े बढ़िया थे तो इस तरह से इस फिल्म में आपको मिक्स रिस्पॉन्स देखने को मिली मिलेगा अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के ओ रिलीज के ऊपर और सैटेलाइट राइट्स के ऊपर साथ ही में हिंदी डाउट वर्जन के सैटेलाइट और ओ रिलीज के ऊपर तो अब मैं आपको बता दूं इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स से तेलुगु वर्जन के लिए उसको खरीदा हुआ स्टार नेटवर्क ने तो ये फिल्म आपको स्टार मा के चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी सरकारोवारी पाटा के नाम से वहीं पे अमेजॉन प्राइम वीडियो ने डिजिटल राइट्स अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए तेलुगु वर्जन के लिए तो ये फिल्म सरकारोवारी पाटा के नाम से थिएट्रिकली रिलीज जो 12 मई हुई है 2022 को उसके एक महीने के बाद ये फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्टार माँ के चैनल के ऊपर आपको ये फिल्म करीबन चार पाँच महीनों में थिएट्रिकल रिलीज के चार पाँच महीनों में सरकार वारे पाता के नाम से देखने को मिलेगी फ्री में वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी जहां पे यह फिल्म थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने के बाद अवेलेबल की जाएगी वहीं पे इस फिल्म के हिंदी राइट्स खरीदे हुए गोल्ड माइंस टेलीफिल्म हैं जिन्होंने अपने गोल्ड टेलीविजन चैनल पर इस फिल्म का एक प्रोमो आउट किया हुआ था डबिंग कंप्लीट नहीं की है जब तक इस फिल्म का तेलुगु वर्जन का जितना रिगार्डिंग काम कंप्लीट नहीं हो जाता तेलुगु वर्जन पूरी तरह से तरीके से थिएट्रिकल रन कंप्लीट कर लेता है उसके बाद में थिएटर और पे पे अवेलेबल और पे अवेलेबल सॉरी और और हो जाता है उसके बाद हिंदी वर्जन के ऊपर काम किया जाएगा और इस फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए महेश बाबू को शायद आपको वॉइस ओवर करते संकट ही देखने को मिलेंगे गोलमाइंस वालों ने राइट्स खरीदे हुए हैं तो ये फिल्म आपको पहले टेलीविजन पे गोलमाइन के टेलीविजन पे चैनल पर देखने को मिलेगी उसके काफी समय के बाद यह फिल्म यूट्यूब पे ऑफिशियली गोलमाइनस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप हिंदी वर्जन को भी इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से आप तेलगु और हिंदी दोनों वर्जन को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे जहां पे तेलगु वर्जन में स्टार माँ के ऊपर से टेलीविजन के ऊपर फ्री में देखने को मिलेगी एमेजन प्राइम के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन इंग्लिश सब ये फिल्म देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में वहीं पे हिंदी वर्जन में गोलमस वालों ने सैटेलाइट और यूट्यूब दोनों राइट्स खरीदे हुए तो वहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी हिंदी टब्ड वर्जन में तो इस तरह से आप ये फिल्म हिंदी और तेलुगु में एन्जॉय कर पाओगे सरकारो पाटा जो दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है परशुराम ने जहाँ पे स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग सभी चीज़ें परशुराम ने ही क्रिएट की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो टोटल चार प्रोड्यूसर्स देखने को मिलेंगे नवीन यर्निनी वाई रविशंकर राम अचंटा गोपीचंद अचंटा इसके अलावा महेश बाबू ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है तो इस तरह से इतने को प्रोड्यूसर्स और साथ ही में महेश बाबू भी जुड़े हुए इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनीज मैथ्री मूवी मेकर्स फोर्टीन रील प्लस एंटरटेनमेंट जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट इन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन साठ करोड़ के बजट के साथ बनाया गया है पे फिल्म का रन टाइम 160 मिनट है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है 160 मिनट यानी कि फिल्म आपको दो घंटे 40 मिनट के आसपास भी देखने को मिलेगी इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क सिनेमाटोग्राफी आर मधी ने किए हुई है एडिटिंग माथन के वेंकटेश ने की हुई है म्यूजिक दिया हुआ एस एस थमन ने और इसके अलावा इस फिल्म के रन टाइम को 160 मिनट मीटर के एडिटर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो महेश बाबू लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कीर्ति सुरेश समुथी रखानी नादिया सोमिया मेनन वेनेला किशोर जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे साथ ही में सुब्बा राजू अजय ब्रह्माजी तनिकेला भरानी पोसानी कृष्णा मुरली प्रभास रीनू महेश मांजरेकर रवि प्रकाश सत्यम राजेश नागाबाबू पवित्रा लोकेश राजश्री नेर गीता भास्कर अप्पा जी अम्बा दरबा और आनंद बाबू जैसे कहीं बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जिन्होंने मिलकर इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है ओवरऑल इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में काम दिखाया हुआ है जहाँ पे सभी का काम काफी बेहतरीन निकल के आया हुआ है इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन 12 मई 2022 को जहां पे 160 मिनट के रन टाइम के साथ यूएस सर्टिफिकेट सा के साथ फिल्म को रिलीज़ किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से बेहतरीन मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे एक सौ अठ वोट्स मिले हुए आई पे छः हज़ार एक सौ वोट्स मिले हुए जहाँ पे छः पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को रे, रेटिंग तो डिसेंट हासिल हुई है लेकिन जिस तरह से मिक्स रिव्यू मिला था उसके चलते लग रहा था कि ये फिल्म उतना वर्क नहीं करेगी लेकिन जिस तरह से महेश बाबू की हुई परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने प्रेज किया हुआ था जिस तरह से ऑडियंस ने पूरी तरह से इस फिल्म को सपोर्ट किया हुआ था दो साल के बाद महेश बाबू थिएटर में आ रहे थे अपनी फिल्म को लेकर तो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपनिंग दिलवाई इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा स्टार्ट दिलवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन पे पचहत्तर करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन निकाला हुआ था और डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन करीबन पैंतालीस करोड़ इक्कीस लाख का निकाल के दिखाया हुआ था तो ये काफ़ी बड़ी बात है किसी रीजनल फिल्म का आना और इतने बड़े लेवल पे इतने बड़े पैमाने पे कलेक्शन करके दिखाना काफी बड़ी बात होती है पुष्पा एक पेन इंडिया फिल्म थी और उस फिल्म ने सिर्फ इकहत्तर करोड़ का कलेक्शन किया था और ये सिर्फ तेलुगु वर्जन की फिल्म है तो भी इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है तो देखने वाली बात यही कि इस फिल्म से महेश बाबू का स्टारडम पर पूरी तरह से हमें पता चलता है जहाँ पे दो साल के बाद आने के बाद भी एक एवरेज फिल्म लेके आने के बाद भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म वर्क कर गई दूसरे दिन इस फिल्म का दो दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 105 करोड़ का निकल के आया जहाँ पे दो दिन में इस फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली थी महेश बाबू के करियर में सातवीं फिल्म थी वहीं पर दो दिन में एंट्री करने वाली उनकी पहली फिल्म थी साथ ही में इस फिल्म ने करीबन पाँच दिनों में सौ करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिस तरह से एक एवरेज फिल्म ने इस तरह से पांच दिनों में नेट कलेक्शन सौ करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था इंडिया में से वो भी काफ़ी बड़ी बात थी इसके अलावा इस फिल्म ने जिस तरह से तेलुगु वर्जन से इतना कलेक्शन किया तो सभी लोगों को सरप्राइज कर दिया लेकिन सरप्राइज होने की बात नहीं थी क्योंकि महेश बाबू जैसे बड़े एक्टर की फिल्म आ रही हो और तेलुगु ऑडियंस उस फिल्म को सपोर्ट ना करे ऐसा हो नहीं सकता तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में इस फिल्म ने तो इतना धमाका कमा चा जिस वजह से सुबह शाम के सो से फूल जा रहे थे तो फिल्म को अच्छी खासी ओपनिंग और कलेक्शन मिलने ही थे। इस फिल्म ने पहले वीक में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एक एवरेज फिल्म थी जहां पे कुछ उतना कुछ खास नहीं था महेश बाबू को छोड़ दे फिल्म में कुछ बढ़िया नहीं था फिर भी फिल्म एक सौ का कर जाती है तो काफी बड़ी बात है तो अभी फिलहाल में फिल्म चल रही है अभी थोड़ी स्लो हो चुकी है लेकिन जितना कलेक्शन करना था वो काफी बढ़िया तरीके से

सिंगर डिफरेंट डिफरेंट है जहाँ पे कलावती को सिद्ध श्री राम ने गाया हुआ है पेनी को नकाश अजीज़ ने गाया हुआ है सरकारोवारी पाता के टाइटल ट्रैक को हरिका नारायण ने गाया हुआ है मामा महेशा को श्री कृष्णा और जोनीता गांधी ने गाया हुआ है वहीं पर वारी पाता का जो रेप सॉन्ग है उसको हरिका नारायण महा श्रावण भार्गवी मनीषा इबरथिनी प्रत्युषा पोलपोत्थु श्री सौम्या वारणसी और श्रुति रंजनी ने गाया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर तो 2020 से इस फिल्म की फिल्मिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे इस फिल्म को 21 नवंबर 2020 में हैदराबाद में एक फॉर्मल लॉन्च इवेंट के साथ स्टार्ट किया गया था जहां पे फिल्म की शूटिंग 1 जनवरी 2021 से पूरी तरह से कम्प्लीटली स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे हैदराबाद के कुछ लोकेशंस यू के दुबई के अलग अलग लोकेशन पर इस फिल्म को शूट किया गया था शारजा में फिल्म का चार वीक का शेड्यूल रखा गया था गोवा में फिल्म के कुछ क्लाइमैक्स शॉट को शूट किया गया था जहाँ पे एक्शन कोरियोग्राफर का राम लक्ष्मण देखने को मिले थे उनका एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा तो इस तरह से फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग लोकेशन में कोविड नाइन्टीन के बीच में शूट किया गया था और इन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए फिल्म को अप्रैल 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग के साथ काम किया गया था अब हम इस फिल्म की स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं उससे पहले मैं आपको कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसकी डिटेलिंग दे देता हूँ महेश बाबू ने महेश यानी कि मही जो फाउंडर है मही फाइनेंस कॉरपोरेशन का उसका रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने कालवती का रोल प्ले किया हुआ है सॉरी कलावती का समूथी रकानी ने एम पी राजेंद्र नाथ यानी कि कलावती के फादर का रोल प्ले किया हुआ था नादिया ने सीनियर बैंक ऑफिशियल राजकुमारी का रोल प्ले किया हुआ था सोमिया मेनन आपको सोमिया यानी कि कलावती के

जिस तरह से फिल्म के टोन को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म की एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था फिल्म को आसानी से पंद्रह बीस मिनट छोटा किया जा सकता था अगर ये फिल्म ढाई घंटे की कम की रही थी तो और बेहतर तरीके से एंगेजिंग और क्रिस्प नजर आती इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया है जहाँ पर हर एक फ्रेम काफी बढ़िया रीच नजर आ रही थी जो कैमरा मै ने जिस तरह से कलर टोन के साथ सभी चीज़ों को निकाला हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है फिल्म का आउटपुट आपको जरूर पसंद आने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से मिक्स रिस्पॉन्स मिलते हुए बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन किया था अब उसकी स्टोरी के ऊपर बात करें तो महेश यानी कि महेश बाबू एक लोन रिकवरी बिजनेस मैन है जहाँ पे वो यूएस में रह रहे एक लड़की है जिसका नाम है कलावती जिसका रोल प्ले कर रही थी सुरेश वो उनके पास एक लोन लेती है लेकिन उस लोन को फिर से उनको रीपे करना होता है लेकिन उसके लिए वो फ़ेल हो जाती है और उसके बाद महेश बाबू उसको काफ़ी ज़्यादा वोन करता है धमकी देता है कि उसके पैसे वापस दे दे लेकिन कलावती ये सभी चीज़ें अपने पापा जो एक पावरफुल इंसान है उसके पास चली जाती है जिसका नाम राजेंद्र नाथ और इस मैटर राजेंद्र नाथ के पास पहुंच जाती है जहां पे वो रोल प्ले कर रहे समूथी रकानी और पूरी तरह से चीजें बदल जाती है अब महेश बाबू किसी भी चॉइस ना बचने की वजह से सीधा इंडिया आता है और राजेंद्र नाथ के पास चला जाता है अपने पैसे लेने के लिए लेकिन वहाँ पे एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से एक प्रॉपर वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है तो अब वो प्रॉब्लम क्या है राजेंद्र नाथ कौन है साथ ही में महेश इन सभी चीज़ों को किस तरह से हैंडल करता है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में जिस तरह से मैंने कहा कि जितनी बातें बताई जैसे कि महेश बाबू की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्शन रूटीन था कैमरा वर्क एडिटिंग में काम की ज़रूरत थी कैमरा वर्क काफ़ी बढ़िया था म्यूजिक डिपार्टमेंट अच्छा था डिसेंट था गाने थोड़े बढ़िया थे तो इस तरह से इस फिल्म में आपको मिक्स रिस्पॉन्स देखने को मिली लेगा अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के ओटीटी रिलीज के ऊपर और सैटेलाइट राइट्स के ऊपर साथ ही में हिंदी डब वर्जन के सैटेलाइट और ओटीटी रिलीज के ऊपर तो अब मैं आपको बता दूं इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स थे तेलुगु वर्जन के लिए उसको खरीदा हुआ स्टार नेटवर्क ने तो ये फिल्म आपको स्टार मां के चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी सरकार वारी पाटा के नाम से वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो ने डिजिटल राइट्स अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए तेलुगु वर्जन के लिए तो ये फिल्म सरकारोवारी पाटा के नाम से थिएट्रिकली रिलीज जो 12 मई हुई है 2022 को उसके एक महीने के बाद ये फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्टार माँ के चैनल के ऊपर आपको ये फिल्म करीबन चार पाँच महीनों में थिएट्रिकल रिलीज के चार पाँच महीनों में सरकार पाता के नाम से देखने को मिलेगी फ्री में वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म विध सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी जहाँ पे यह फिल्म थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने के बाद अवेलेबल की जाएगी वहीं पे इस फिल्म के हिंदी राइट्स खरीदे हुए गोल्ड माइंस टेलीफिल्म हैं जिन्होंने अपने गोल्ड टेलीविजन चैनल पर इस फिल्म का एक प्रोमो आउट किया हुआ था डबिंग कंप्लीट नहीं की है जब तक इस फिल्म का तेलुगु वर्जन का जितना काम में कंप्लीट नहीं हो जाता तेलुगु वर्जन पूरी तरीके से ऊपर काम किया जाएगा और महेश को शायद आपको वॉइस महात्रे ही देखने को मिलेंगे गोलमेस वालों ने राइट्स खरीदे हुए तो यह फिल्म आपको पहले टेलीविजन पे गोलमेन्स के टेलीविजन पे चैनल पर देखने को मिलेगी उसके काफी समय के बाद ये फिल्म ऑफिशियली गोलमेन् के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में देख को मिलेगी तो इस तरह से आप हिंदी वर्जन को भी इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से आप तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे जहां पे तेलगु वर्जन में स्टार माँ के ऊपर हिंदी से के ऊपर फ्री में देखने को मिलेगी एमेजोन प्राइम के ऊपर तेलुगु वर्जन में वहीं पर हिंदी वर्जन में गोलमाइंस वालों ने सैटेलाइट और यूट्यूब दोनों राइट्स खरीदे हुए तो वहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी हिंदी टब्ड वर्जन में तो इस तरह से आप ये फिल्म हिंदी और तेलुगु में एंजॉय कर पाओगे सरकारो वारी पाटा जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है परशुराम ने जहाँ पे स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग सभी चीजें परशुराम ने ही क्रिएट की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो टोटल चार प्रोड्यूसर्स देखने को मिलेंगे नवीन यर्निनी वाई रविशंकर राम अचंटा गोपीचंद अचंटा इसके अलावा महेश बाबू ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है तो इस तरह से इतने को प्रोड्यूसर्स और साथ ही में महेश बाबू भी जुड़े हुए इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनीज मई थ्री मूवी मेकर्स फोर्टीन रील प्लस एंटरटेनमेंट जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट इन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस के ट के मिला हुआ है एक सौ साठ मिनट यानी कि फिल्म दो घंटे चालीस मिनट के आसपास भी देखने को मिलेगी इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क सिनेमाटोग्राफी आर मधी ने किए हुई है एडिटिंग माथन के वेंकटेश ने हुई है म्यूजिक दिया हुआ एस एस थमन ने और इसके अलावा इस फिल्म के रन टाइम को 160 मिनट के एडिटर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो महेश बाबू को लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कीर्ति सुरेश समुथी रखानी नादिया सोमिया मेनन वेनेला किशोर जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे साथ ही में सुबा राजू अजय ब्रह्माजी तनिकेला भरानी पोसानी कृष्णा मुरली प्रभास रीनू महेश मांजरेकर रवि प्रकाश सत्यम राजेश नागाबाबू पवित्रा लोकेश राजश्री नेर गीता भास्कर अप्पा जी अम्बारिशा दरबा और आनंद बाबू जैसे कहीं बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जिन्होंने मिलकर इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है ओवरऑल और और इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में काम दिखाया हुआ है जहाँ पे सभी का काम काफी बेहतरीन निकल के आया हुआ है इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन 12 मई 2022 को जहां पे 160 मिनट के रन टाइम के साथ यूएस सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को रिलीज़ किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से बेहतरीन मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे एक सौ अठ मिले हुए आई पे छः हज़ार एक सौ वोट्स मिले हुए जहाँ पे छः पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को रेटिंग तो डिसेंट हासिल हुई है लेकिन जिस तरह से मिक्स रिव्यू मिला था उसके चलते लग रहा था कि ये फिल्म उतना वर्क नहीं करेगी लेकिन जिस तरह से महेश बाबू की हुई परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने प्रेज किया हुआ था जिस तरह से ऑडियंस ने पूरी तरह से इस फिल्म को सपोर्ट किया हुआ था दो साल के बाद महेश बाबू थिएटर में आ रहे थे अपनी फिल्म को लेकर तो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपनिंग दिलवाई इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा स्टार्ट दिलवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन पे ही पचहत्तर करोड़ का वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन निकाला हुआ था और डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन करीबन पैंतालीस करोड़ इक्कीस लाख का निकाल के दिखाया हुआ था तो ये काफ़ी बड़ी बात है किसी रीजनल फिल्म का आना और इतने बड़े लेवल पे इतने बड़े पैमाने पे कलेक्शन करके दिखाना काफी बड़ी बात होती है पुष्पा एक पेन इंडिया फिल्म थी और उस फिल्म ने सिर्फ इकहत्तर करोड़ का कलेक्शन किया था और ये सिर्फ वर्जन की फिल्म है तो भी इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है तो देखने वाली बात है कि इस फिल्म से महेश बाबू का स्टारडम्प पर पूरी तरह से हमें पता चलता है जहाँ पे दो साल के बाद आने के बाद भी एक एवरेज फिल्म लेके आने के बाद भी काफी बढ़िया तरीके से फिल्म वर्क कर गई दूसरे दिन इस फिल्म का दो दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एक करोड़ का निकल के आया जहाँ पे दो दिन में इस फिल्म ने हंड्रेड करोड़ क्लब में एंट्री ले ली थी महेश बाबू के करियर में सातवीं फिल्म थी वहीं पर दो दिन में एंट्री करने वाली उनकी पहली फिल्म थी साथ ही में इस फिल्म ने करीबन पाँच दिनों में एक करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिस तरह से एक एवरेज फिल्म ने इस तरह से पाँच दिनों में नेट कलेक्शन करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था इंडिया में से वो भी काफी बड़ी बात थी इसके अलावा इस फिल्म ने जिस तरह से तेलुगु वर्जन से इतना कलेक्शन किया तो सभी लोगों को सरप्राइज कर दिया लेकिन सरप्राइज होने की बात नहीं थी क्योंकि महेश बाबू जैसे बड़े एक्टर की फिल्म आ रही हो और तेलुगु ऑडियंस उस फिल्म को सपोर्ट ना करे ऐसा हो नहीं सकता तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में इस फिल्म ने तो इतना धमाका मचाया जिस वजह से सुबह शाम के सो जिस तरह से फूल जा रहे थे तो फिल्म को अच्छी खासी ओपनिंग और कलेक्शन मिलने ही थे इस फिल्म ने पहले वीक में सरकार वाली पार्टी ने करीबन ने एक सौ करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एवरेज फिल्म थी जहां पे कुछ उतना कुछ खास नहीं था कुछ करोड़ कर जाती है। तो काफी बड़ी बात है तो अभी फिलहाल में फिल्म चल रही है अभी थोड़ी स्लो हो चुकी है लेकिन जितना कलेक्शन करना था वो काफी बढ़िया तरीके से उसने किया हुआ है और ये दिखाता है प्योर स्टार महेश बाबू का अब हम बात कर लेते इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर जहां पे मैंने आपको कहा कि बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ऐसे स्थान ने क्रिएट किए हुए हैं जहां पे उन्होंने महेश बाबू के साथ चौथी बार कोलॉबरेट किया हुआ है इससे पहले आगाड़ू बिजनेसमैन दुकुडू जैसे कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया हुआ था परशुराम के साथ तीसरी बार कोलॉबरेट किया हुआ सुभनस्तु में भी काम किया हुआ था इस फिल्म के ऑडियो राइट्स खरीदे हुए हैं सारे गमाने जिन्होंने इस फिल्म के तेलुगु वर्जन को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी गानों को अवेलेबल किया हुआ है वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में इस फिल्म के गानों को दो हजार इक्कीस बाईस में रिकॉर्ड किया गया था

ट्रैक को हरिका नारायण ने गाया हुआ है मामा महेशा को श्री कृष्णा और जोनिता गांधी ने गाया हुआ है वहीं पे सरकारों का जो रेप है उसको हरिका नारायण महा श्रावण भार्गवी मनीषा इबरथिनी प्रत्युषा पोलपोथु श्री सौम्या वारणसी और श्रुति रंजनी ने गाया हुआ है तो इस तरह से पांच गाने जिसकी लेंथ है उन्नीस मिनट छब्बीस सेकंड फ़िलहाल मे गाने सारे गाँ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर तो दो से इस फिल्म की फिल्मिंग स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को इक्कीस नवंबर दो में हैदराबाद में एक फॉर्मल लॉन्च इवेंट के साथ स्टार्ट किया गया था जहाँ फिल्म की शूटिंग एक जनवरी दो से पूरी तरह से कंप्लीटली स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे हैदराबाद के कुछ लोकेशंस यूएस के दुबई के अलग अलग लोकेशन पर इस फिल्म को शूट किया गया था शारजा में फिल्म का चार वीक का शेड्यूल रखा गया था गोवा में फिल्म के कुछ क्लाइमेक्स शॉट को शूट किया गया था जहाँ पे एक्शन कोरियोग्राफर का राम लक्ष्मण देखने को मिले थे तो उनका एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा तो इस तरह से फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग लोकेशन में कोविड नाइन्टीन के बीच में शूट किया गया था और इन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए फिल्म को अप्रैल 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग के साथ काम किया गया था अब हम इस फिल्म की स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं उससे पहले मैं आपको कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसकी डिटेलिंग दे देता हूँ महेश बाबू ने महेश यानी कि मही जो फाउंडर है मही फाइनेंस कॉरपोरेशन का उसका रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने कालवती का रोल प्ले किया हुआ है सॉरी कलावती का समूथी रकानी ने एम पी राजेंद्र नाथ यानी कि कलावती के फादर का रोल प्ले किया हुआ था नादिया ने सीनियर बैंक ऑफिशियल राजकुमारी का रोल प्ले किया हुआ था सोमिया मेनन आपको सोमिया यानी कि कलावती के

किरदार जिस तरह से फिल्म के टोन को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म की एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था फिल्म को आसानी से पंद्रह बीस मिनट छोटा किया जा सकता था अगर ये फिल्म ढाई घंटे की कम की रही थी तो और बेहतर तरीके से एंगेजिंग और क्रिस्प नजर आती इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया है जहाँ पर हर एक फ्रेम काफी बढ़िया रीच नजर आ रही थी जो कैमरा ने जिस तरह से कलर टोन के साथ सभी चीज़ों को निकाला हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है फिल्म का आउटपुट आपको जरूर पसंद आने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से मिक्स रिस्पॉन्स मिलते हुए बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन किया था अब उसकी स्टोरी के ऊपर बात करें तो महेश यानी कि महेश बाबू एक लोन रिकवरी बिजनेस मैन है जहाँ पर वो यू में रह रहे एक लड़की है जिसका नाम है कलावती जिसका रोल प्ले करे की सुरेश वो उनके पास एक लोन लेती है लेकिन उस लोन को फिर से उनको रीपे करना होता है लेकिन उसके लिए वो फेल हो जाती है और उसके बाद महेश बाबू उसको काफ़ी ज़्यादा वोन करता है धमकी देता है कि उसके पैसे वापस दे दे लेकिन कलावती ये सभी चीज़ें अपने पापा जो एक पावरफुल इंसान है उसके पास चली जाती है जिसका नाम है राजेंद्र नाथ और इस मैटर राजेंद्र नाथ के पास पहुंच जाती है जहां पे वो रोल प्ले कर रहे समूथी रकानी और पूरी तरह से चीजें बदल जाती है अब महेश बाबू किसी भी चॉइस ना बचने की वजह से सीधा इंडिया आता है और राजेंद्र नाथ के पास चला जाता है अपने पैसे लेने के लिए लेकिन वहाँ पे एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से एक प्रॉपर वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है तो अब वो प्रॉब्लम क्या है राजेंद्र नाथ कौन है साथ ही में महेश इन सभी चीज़ों को किस तरह से हैंडल करता है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में जिस तरह से मैंने कहा कि जितनी बातें बताई जैसे कि महेश बाबू की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्शन रूटीन था कैमरा वर्क एडिटिंग में काम की ज़रूरत थी कैमरा वर्क काफ़ी बढ़िया था म्यूजिक डिपार्टमेंट अच्छा था डिसेंट था गाने थोड़े बढ़िया थे तो इस तरह से इस फिल्म में आपको मिक्स रिस्पॉन्स देखने को मिले मिलेगा अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के ओ रिलीज के ऊपर और सैटेलाइट राइट्स के ऊपर साथ ही में हिंदी डाउट वर्जन के सैटेलाइट और ओ रिलीज के ऊपर तो अब मैं आपको बता दूं इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स से तेलुगु वर्जन के लिए उसको खरीदा हुआ स्टार नेटवर्क ने तो ये फिल्म आपको स्टार मा के चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी सरकारोवारी पाटा के नाम से वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो ने डिजिटल राइट्स अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए तेलुगु वर्जन के लिए तो ये फिल्म सरकारोवारी पाटा के नाम से थिएट्रिकली रिलीज जो 12 मई हुई है 2022 को उसके एक महीने के बाद ये फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्टार माँ के चैनल के ऊपर आपको ये फिल्म करीबन चार पाँच महीनों में थिएट्रिकल रिलीज के चार पाँच महीनों में सरकार पाता के नाम से देखने को मिलेगी फ्री में वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी जहां पे यह फिल्म थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने के बाद अवेलेबल की जाएगी वहीं पे इस फिल्म के हिंदी राइट्स खरीदे हुए गोल्ड माइंस टेलीफिल्म हैं जिन्होंने अपने गोल्ड माइज टेलीविजन चैनल पर इस फिल्म का एक प्रोमो आउट किया हुआ था डबिंग कंप्लीट नहीं की है जब तक इस फिल्म का तेलुगु वर्जन का जितना

ने को मिलेगी तो इस तरह से आप हिंदी वर्जन को भी इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से आप तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे जहां पे तेलगू वर्जन में स्टार माँ के ऊपर हिंदी से

इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है परशुराम ने जहाँ पे स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग सभी चीजें परशुराम ने ही क्रिएट की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो टोटल चार प्रोड्यूसर्स देखने को मिलेंगे नवीन यर्निनी वाई रविशंकर राम अचंटा गोपी अचंटा इसके अलावा महेश बाबू ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है तो इस तरह से इतने को प्रोड्यूसर्स और साथ ही में महेश बाबू भी जुड़े हुए इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनीज मैथ्री मूवी मेकर्स फोर्टीन रील प्लस एंटरटेनमेंट जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट इन

और इसके अलावा इस फिल्म के रन टाइम को 160 मिनट के एडिटर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो महेश बाबू लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कीर्ति सुरेश समुथी रखानी नादिया सोमिया मेनन वेनेला किशोर जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे साथ ही में सुबा राजू अजय ब्रह्माजी तनिकेला भरानी पोसानी कृष्णा मुरली प्रभास रीनू महेश मांजरेकर रवि प्रकाश सत्यम राजेश नागाबाबू पवित्रा लोकेश राजश्री नेर गीता भास्कर अप्पा जी अम्बारिषा दरबा और आनंद बाबू जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जिन्होंने मिलकर इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है ओवरऑल इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में काम दिखाया हुआ है जहाँ पे सभी का काम काफी बेहतरीन निकल के आया हुआ है इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन 12 मई 2022 को जहां पे 160 मिनट के रन टाइम के साथ यूएस सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को रिलीज़ किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से बेहतरीन मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे एक सौ तो मिले हुए आई पे छः हज़ार मिले हुए जहाँ पे छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को रेटिंग तो डिसेंट हासिल हुई है लेकिन जिस तरह से मिक्स रिव्यू मिला था उसके चलते लग रहा था कि ये फिल्म उतना वर्क नहीं करेगी लेकिन जिस तरह से महेश बाबू की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने प्रेज़ किया हुआ था जिस तरह से ऑडियंस ने पूरी तरह से इस फिल्म को सपोर्ट किया हुआ था दो साल के बाद महेश बाबू थिएटर में आ रहे थे अपनी फिल्म को लेकर तो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपनिंग दिलवाई इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा स्टार्ट दिलवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन पे ही पचहत्तर करोड़ का वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन निकाला हुआ था और डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन करीबन पैंतालीस करोड़ इक्कीस लाख का निकाल के दिखाया हुआ था तो ये काफ़ी बड़ी बात है किसी रीजनल फिल्म का आना और इतना बड़े लेवल पे इतने बड़े पैमाने पे कलेक्शन करके दिखाना काफी बड़ी बात होती है पुष्पा एक पेन इंडिया फिल्म थी और उस फिल्म ने सिर्फ इकहत्तर करोड़ का कलेक्शन किया था और ये सिर्फ वर्जन की फिल्म है तो भी इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है तो देखने वाली बात ये कि इस फिल्म से महेश बाबू का स्टारडम्प पर पूरी तरह से हमें पता चलता है जहाँ पे दो साल के बाद आने के बाद भी एक एवरेज फिल्म लेके आने के बाद भी काफी बढ़िया तरीके से फिल्म वर्क कर गई दूसरे दिन इस फिल्म का दो दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एक करोड़ का निकल के आया जहाँ पे दो दिन में इस फिल्म ने हंड्रेड करोड़ क्लब में एंट्री ले ली थी महेश बाबू के करियर में सातवीं फिल्म थी वहीं पर दो दिन में एंट्री करने वाली उनकी पहली फिल्म थी साथ ही में इस फिल्म ने करीबन पांच दिनों में एक करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिस तरह से एक एवरेज फिल्म ने इस तरह से पाँच दिनों में नेट कलेक्शन करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था इंडिया में से वो भी काफी बड़ी बात थी इसके अलावा इस फिल्म ने जिस तरह से तेलुगु वर्जन से इतना कलेक्शन किया तो सभी लोगों को सरप्राइज कर दिया लेकिन सरप्राइज होने की बात नहीं थी क्योंकि महेश बाबू जैसे बड़े एक्टर की फिल्म आ रही हो और तेलुगु ऑडियंस उस फिल्म को सपोर्ट ना करे ऐसा हो नहीं सकता तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में इस फिल्म ने तो इतना धमाका मचाया जिस वजह से सुबह शाम के सो जिस तरह से फूल जा रहे थे तो फिल्म को अच्छी खासी ओपनिंग और कलेक्शन मिलने ही थे इस फिल्म ने पहले वीक में सरकार वाली पार्टी करीबन एक सौ करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एवरेज फिल्म थी जहां पे कुछ उतना कुछ खास नहीं था बड़ी बात है तो अभी फिलहाल में फिल्म चल रही है अभी थोड़ी स्लो हो चुकी है लेकिन जितना कलेक्शन करना था वो काफी बढ़िया तरीके से उसने किया हुआ है और ये दिखाता है प्योर स्टार महेश बाबू का अब हम बात कर लेते फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर जहां पे मैंने आपको कहा कि बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ऐसे स्थान ने क्रिएट किए हुए हैं जहां पे उन्होंने महेश बाबू के साथ चौथी बार कोलॉबरेट किया हुआ है इससे पहले आगाडो बिजनेसमैन दुकुडू जैसे कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया हुआ था परसुराम के साथ तीसरी बार कोलॉबरेट किया हुआ अंजनय श्रीमस्तु शुभन में भी काम किया हुआ था इस फिल्म के ऑडियो राइट्स खरीदे हुए सारे गमाने जिन्होंने इस फिल्म के तेलुगु वर्जन को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी गानों को अवेलेबल किया हुआ है वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में इस फिल्म के गानों को दो हजार में रिकॉर्ड किया गया

ट्रेक को हरिका नारायण ने गाया हुआ है मामा महेशा को श्री कृष्णा और जोनिता गांधी ने गाया हुआ है वहीं पे सरकारों का जो है उसको हरिका नारायण महाश्रवण भार्गवी मनीषा इबरथिनी प्रत्युषा पोलपोथु सी सौम्या वाराणसी और श्रुति रंजनी ने गाया हुआ है तो इस तरह से पांच गाने जिसकी लेंथ है उन्नीस मिनट छब्बीस सेकंड फ़िलहाल में ये गाने सारे गाँ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर तो दो से इस फिल्म की फिल्मिंग स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को इक्कीस नवंबर दो में हैदराबाद में एक फॉर्मल लॉन्च इवेंट के साथ स्टार्ट किया गया था जहाँ फिल्म की शूटिंग एक जनवरी दो से पूरी तरह से कंप्लीटली स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे हैदराबाद के कुछ लोकेशंस यूएस के दुबई के अलग अलग लोकेशन पर इस फिल्म को शूट किया गया था शारजा में फिल्म का चार वीक का शेड्यूल रखा गया था गोवा में फिल्म के कुछ क्लाइमेक्स शॉट को शूट किया गया था जहाँ पे एक्शन कोरियोग्राफर का राम लक्ष्मण देखने को मिले थे तो उनका एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा तो इस तरह से फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग लोकेशन में कोविड नाइन्टीन के बीच में शूट किया गया था और इन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए फिल्म को अप्रैल 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग के साथ काम किया गया था अब हम इस फिल्म की स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं उससे पहले मैं आपको कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसकी डिटेलिंग दे देता हूँ महेश बाबू ने महेश यानी कि मही जो फाउंडर है मही फाइनेंस कॉरपोरेशन का उसका रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने कालवती का रोल प्ले किया हुआ है सॉरी कलावती का समूथी रकानी ने एम पी राजेंद्र नाथ यानी कि कलावती के फादर का रोल प्ले किया हुआ था नादिया ने सीनियर बैंक ऑफिशियल राजकुमारी का रोल प्ले किया हुआ था सोमिया मेनन आपको सोमिया यानी कि कलावती के

रदार जिस तरह से फिल्म के टोन को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म की एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था फिल्म को आसानी से पंद्रह बीस मिनट छोटा किया जा सकता था अगर ये फिल्म ढाई घंटे की कम की रहती तो और बेहतर तरीके से एंगेजिंग और क्रिस्प नजर आती इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया है जहाँ पर हर एक फ्रेम काफी बढ़िया रीच नजर आ रही थी जो कैमरा ने जिस तरह से कलर टोन के साथ सभी चीज़ों को निकाला हुआ है वो काफी बढ़िया है फिल्म का आउटपुट आपको जरूर पसंद आने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से मिक्स रिस्पांस मिलते हुए बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन किया था अब उसकी स्टोरी के ऊपर बात करें तो महेश यानी कि महेश बाबू एक लोन रिकवरी बिजनेस मैन है जहाँ पर वो यू में रह रहे एक लड़की है जिसका नाम है कलावती जिसका रोल प्ले करे की सुरेश वो उनके पास एक लोन लेती है लेकिन उस लोन को फिर से उनको रीपे करना होता है लेकिन उसके लिए वो फेल हो जाती है और उसके बाद महेश बाबू उसको काफ़ी ज़्यादा वोन करता है धमकी देता है कि उसके पैसे वापस दे दे लेकिन कलावती ये सभी चीज़ें अपने पापा जो एक पावरफुल इंसान है उसके पास चली जाती है जिसका नाम है राजेंद्र नाथ और इस मैटर राजेंद्र नाथ के पास पहुंच जाती है जहां पे वो रोल प्ले कर रहे रकानी और पूरी तरह से चीज़ें बदल जाती है अब महेश बाबू किसी भी चॉइस ना बचने की वजह से सीधा इंडिया आता है और राजेंद्र के पास चला जाता है अपने पैसे लेने के लिए लेकिन वहाँ पे एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से एक प्रॉपर वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है तो अब वो प्रॉब्लम क्या है राजेंद्र नाथ कौन है साथ ही में महेश इन सभी चीज़ों को किस तरह से हैंडल करता है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में जिस तरह से मैंने कहा कि जितनी बातें बताई जैसे कि महेश बाबू की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्शन रूटीन था कैमरा वर्क एडिटिंग में काम की जरूरत थी कैमरा वर्क काफ़ी बढ़िया था म्यूजिक डिपार्टमेंट अच्छा था डिसेंट था गाने थोड़े बढ़िया थे तो इस तरह से इस फिल्म में आपको मिक्स रिस्पॉन्स देखने को मिले देगा अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के ओटीटी रिलीज के ऊपर और सैटेलाइट राइट्स के ऊपर साथ ही में हिंदी डाउट वर्जन के सैटेलाइट और ओटीटी रिलीज के ऊपर तो अब मैं आपको बता दूं इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स थे तेलुगु वर्जन के लिए उसको खरीदा हुआ स्टार नेटवर्क ने तो ये फिल्म आपको स्टार मां के चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी सरकार वारी पाटा के नाम से वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो ने डिजिटल राइट्स अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए तेलुगु वर्जन के लिए तो ये फिल्म सरकारोवारी पाटा के नाम से थिएट्रिकली रिलीज जो 12 मई हुई है 2022 को उसके एक महीने के बाद ये फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्टार माँ के चैनल के ऊपर आपको यह फिल्म करीबन चार पाँच महीनों में थिएट्रिकल रिलीज के चार पाँच महीनों में सरकार वारे पाता के नाम से देखने को मिलेगी फ्री में वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी जहां पे यह फिल्म थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने के बाद अवेलेबल की जाएगी वहीं पे इस फिल्म के हिंदी राइट्स खरीदे हुए गोल्ड माइंस ने जिन्होंने अपने गोल्ड टेलीविजन चैनल पर इस फिल्म का एक प्रोमो आउट किया हुआ था डबिंग कंप्लीट नहीं की है जब तक इस फिल्म का तेलुगु वर्जन का जितना

ने को मिलेगी तो इस तरह से आप हिंदी वर्जन को भी इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से आप तेलगु और हिंदी दोनों वर्जन को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे जहां पे तेलगु वर्जन में स्टार माँ के ऊपर हिंदी से

इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है परशुराम ने जहाँ पे स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग सभी चीजें परशुराम ने ही क्रिएट की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो टोटल चार प्रोड्यूसर्स देखने को मिलेंगे नवीन यर्निनी वाई रविशंकर राम अचंटा गोपी चंद अचंटा इसके अलावा महेश बाबू ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है तो इस तरह से इतने को प्रोड्यूसर्स और साथ ही में महेश बाबू भी जुड़े हुए इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनीज मई मूवी मेकर्स फोर्टीन रिल प्लस एंटरटेनमेंट जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट इन

और इसके अलावा इस फिल्म के रन टाइम को 160 मिनट के एडिटर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो महेश बाबू लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कीर्ति सुरेश समुथी रखानी नादिया सोमिया मेनन वेनेला किशोर जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे साथ ही में सुबा राजू अजय ब्रह्माजी तनिकेला भरानी पोसानी कृष्णा मुरली प्रभास रीनू महेश मांजरेकर रवि प्रकाश सत्यम राजेश नागाबाबू पवित्रा लोकेश राजश्री नेर गीता भास्कर अप्पा जी अम्बारिशा दरबा और आनंद बाबू जैसे कहीं बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जिन्होंने मिलकर इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है ओवरऑल इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में काम दिखाया हुआ है जहाँ पे सभी का काम काफ़ी बेहतरीन निकल के आया हुआ है इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन 12 मई 2022 को जहां पे 160 मिनट के रन टाइम के साथ यूएस सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को रिलीज़ किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से बेहतरीन मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे एक सौ तो मिले हुए आई पे डी वी हज़ार एक सौ वार्ड्स मिले हुए जहाँ पे छः पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को रेटिंग तो डिसेंट हासिल हुई है लेकिन जिस तरह से मिक्स रिव्यू मिला था उसके चलते लग रहा था कि ये फिल्म उतना वर्क नहीं करेगी लेकिन जिस तरह से महेश बाबू की हुई परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने प्रेज़ किया हुआ था जिस तरह से ऑडियंस ने पूरी तरह से इस फिल्म को सपोर्ट किया हुआ था दो साल के बाद महेश बाबू थिएटर में आ रहे थे अपनी फिल्म को लेकर तो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपनिंग दिलवाई इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा स्टार्ट दिलवाया हुआ है जहाँ पर इस फिल्म ने पहले दिन पे ही पचहत्तर करोड़ का वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन निकाला हुआ था और डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन करीबन पैंतालीस करोड़ इक्कीस लाख का निकाल के दिखाया हुआ था तो ये काफ़ी बड़ी बात है किसी रीजनल फिल्म का आना और इतने बड़े लेवल पे इतने बड़े पैमाने पे कलेक्शन करके दिखाना काफी बड़ी बात होती है पुष्पा एक पेन इंडिया फिल्म थी और उस फिल्म ने सिर्फ इकहत्तर करोड़ का कलेक्शन किया था और ये सिर्फ वर्जन की फिल्म है तो भी इस फिल्म ने पचहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है तो देखने वाली बात है कि इस फिल्म से महेश बाबू का स्टारडम्प पर पूरी तरह से हमें पता चलता है जहां पे दो साल के बाद आने के बाद भी एक एवरेज फिल्म लेके आने के बाद भी काफी बढ़िया तरीके से फिल्म वर्क कर गई दूसरे दिन इस फिल्म का दो दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एक करोड़ का निकल के आया जहां पे दो दिन में इस फिल्म ने हंड्रेड करोड़ क्लब में एंट्री ले ली थी महेश बाबू के करियर में सातवीं फिल्म थी वहीं पर दो दिन में एंट्री करने वाली उनकी पहली फिल्म थी साथ ही में इस फिल्म ने करीबन पांच दिनों में एक करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिस तरह से एक एवरेज फिल्म ने इस तरह से पांच दिनों में नेट कलेक्शन करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था इंडिया में से वो भी काफी बड़ी बात थी इसके अलावा इस फिल्म ने जिस तरह से तेलुगु वर्जन से इतना कलेक्शन किया तो सभी लोगों को सरप्राइज कर दिया लेकिन सरप्राइज होने की बात नहीं थी क्योंकि महेश बाबू जैसे बड़े एक्टर की फिल्म आ रही हो और तेलुगु ऑडियंस उस फिल्म को सपोर्ट ना करे ऐसा हो नहीं सकता तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में इस फिल्म ने तो इतना धमाका मचाया जिस वजह से सुबह शाम के सो जिस तरह से फूल जा रहे थे तो फिल्म को अच्छी खासी ओपनिंग और कलेक्शन मिलने ही थे इस फिल्म ने पहले वीक में सरकार पार्टन करीबन एक सौ करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एक एवरेज फिल्म थी जहां पे कुछ उतना कुछ खास नहीं था कुछ बड़ी बात है तो अभी फिलहाल चल रही है अभी थोड़ी स्लो हो चुकी है लेकिन जितना कलेक्शन करना था वो काफी बढ़िया तरीके से उसने किया हुआ है और ये दिखाता है प्योर स्टार महेश बाबू का अब हम बात कर लेते फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर जहाँ पे मैंने आपको कहा कि बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ऐसे ने क्रिएट किए हुए हैं जहां पे उन्होंने महेश बाबू के साथ चौथी बार कोलॉबरेट किया हुआ है इससे पहले आगाडो बिजनेसमैन डुकुडू जैसे कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया हुआ था परसुराम के साथ तीसरी बार कोलॉबरेट किया हुआ अंजनय श्रीमस्तु सुभनस्तु में भी काम किया हुआ था इस फिल्म के ऑडियो राइट्स खरीदे हुए सारे गमाने जिन्होंने इस फिल्म के तेलुगु वर्जन को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी गानों को अवेलेबल किया हुआ है वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में इस फिल्म के गानों को दो हजार इक्कीस बाईस में रिकॉर्ड किया गया था

टाइटल ट्रैक को हरिका नारायण ने गाया हुआ है मामा महेशा को श्री कृष्णा और जोनिता गांधी ने गाया हुआ है वहीं पे सरकारों का जो रेप सॉन्ग है उसको हरिका नारायण महाश्रावन भार्गवी मनीषा इबरथिनी प्रत्युषा पोलपोथु श्री सौम्या वाराणसी और श्रुति रंजनी ने गाया हुआ है तो इस तरह से पांच गाने जिसकी लेंथ है उन्नीस मिनट छब्बीस सेकंड फ़िलहाल मेरे गाने सारे गांधी के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर तो दो से इस फिल्म की फिल्मिंग स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को इक्कीस नवंबर दो में हैदराबाद में एक फॉर्मल लॉन्च इवेंट के साथ स्टार्ट किया गया था जहाँ फिल्म की शूटिंग एक जनवरी दो से पूरी तरह से कंप्लीटली स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे हैदराबाद के कुछ लोकेशन यू के दुबई के अलग अलग लोकेशन पर इस फिल्म को शूट किया गया था शारजा में फिल्म का चार वीक का शेड्यूल रखा गया था गोवा में फिल्म के कुछ क्लाइमेक्स शॉट को शूट किया गया था जहाँ पे एक्शन कोरियोग्राफर का राम लक्ष्मण देखने को मिले थे तो उनका एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा तो इस तरह से फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग लोकेशन में कोविड नाइन्टीन के बीच में शूट किया गया था और इन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए फिल्म को अप्रैल 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग के साथ काम किया गया था अब हम इस फिल्म की स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं उससे पहले मैं आपको कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसकी डिटेलिंग दे देता हूँ महेश बाबू ने महेश यानी कि मही जो फाउंडर है मही फाइनेंस कॉरपोरेशन का उसका रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश ने कालवती का रोल प्ले किया हुआ है सॉरी कलावती का समूथी रकानी ने एम पी राजेंद्र नाथ यानी कि कलावती के फादर का रोल प्ले किया हुआ था नादिया ने सीनियर बैंक ऑफिशियल राजकुमारी का रोल प्ले किया हुआ था सोमिया मेनन आपको सोमिया यानी कि कलावती के

किरदार जिस तरह से फिल्म के टोन को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म की एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था फिल्म को आसानी से पंद्रह बीस मिनट छोटा किया जा सकता था अगर ये फिल्म ढाई घंटे की कम की रहती तो और बेहतर तरीके से एंगेजिंग और क्रिस्प नजर आती इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया है जहाँ पर हर एक फ्रेम काफी बढ़िया रीच नजर आ रही थी जो कैमरा मैन ने जिस तरह से कलर टोन के साथ सभी चीज़ों को निकाला हुआ है वो काफी बढ़िया है फिल्म का आउटपुट आपको जरूर पसंद आने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से मिक्स रिस्पांस मिलते हुए बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन किया था अब उसकी स्टोरी के ऊपर बात करें तो महेश यानी कि महेश बाबू एक लोन रिकवरी बिजनेस मैन है जहाँ पर वो यू में रह रहे एक लड़की है जिसका नाम है कलावती जिसका रोल प्ले करे की सुरेश वो उनके पास एक लोन लेती है लेकिन उस लोन को फिर से उनको रीपे करना होता है लेकिन उसके लिए वो फ़ेल हो जाती है और उसके बाद महेश बाबू उसको काफ़ी ज़्यादा वोन करता है धमकी देता है कि उसके पैसे वापस दे दे लेकिन कलावती ये सभी चीज़ें पापा जो एक पावरफुल इंसान है है उसके पास चली जाती है, जिसका नाम राजेंद्र नाथ और राजेंद्र नाथ के पास पहुंच जाती है जहां पे वो रोल प्ले करे समुथी रकानी और पूरी तरह से चीजें बदल जाती है अब महेश बाबू किसी भी चॉइस ना बचने की वजह से सीधा इंडिया आता है और राजेंद्र नाथ के पास चला जाता है अपने पैसे लेने के लिए लेकिन वहाँ पे एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से एक प्रॉपर वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है तो अब वो प्रॉब्लम क्या है राजेंद्र नाथ कौन है साथ ही में महेश इन सभी चीज़ों को किस तरह से हैंडल करता है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में जिस तरह से मैंने कहा कि जितनी बातें बताई जैसे कि महेश बाबू की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्शन रूटीन था कैमरा वर्क एडिटिंग में काम की जरूरत थी कैमरा वर्क काफ़ी बढ़िया था म्यूजिक डिपार्टमेंट अच्छा था डिसेंट था गाने थोड़े बढ़िया थे तो इस तरह से इस फिल्म में आपको मिक्स रिस्पॉस में देखने को मिला अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के ओटीटी रिलीज के ऊपर और सैटेलाइट राइट्स के ऊपर साथ ही में हिंदी डाउट वर्जन के सैटेलाइट और ओटीटी रिलीज के ऊपर तो अब मैं आपको बता दूं इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स थे तेलुगु वर्जन के लिए उसको खरीदा हुआ स्टार नेटवर्क ने तो ये फिल्म आपको स्टार मार्केट के चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी सरकारोवारी पाटा के नाम से वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो ने डिजिटल राइट्स अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए तेलुगु वर्जन के लिए तो ये फिल्म सरकारोवारी पाटा के नाम से थिएट्रिकली रिलीज जो बारह मई हुई है दो को उसके एक महीने के बाद ये फिल्म आपको अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि स्टार माँ के चैनल के ऊपर आपको यह फिल्म करीबन चार पाँच महीनों में थिएट्रिकल रिलीज के चार पाँच महीनों में सरकार पाता के नाम से देखने को मिलेगी फ्री में वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर यह फिल्म विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी जहां पे यह फिल्म थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने के बाद अवेलेबल की जाएगी वहीं पे इस फिल्म के हिंदी राइट्स खरीदे हुए गोल्ड माइंस टेलीफिल्म हैं जिन्होंने अपने गोल्ड टेलीविजन चैनल पर इस फिल्म का एक प्रोमो आउट किया हुआ था डबिंग कंप्लीट नहीं की है जब तक इस फिल्म का तेलुगु वर्जन का जितना

ने को मिलेगी तो इस तरह से आप हिंदी वर्जन को भी इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से आप तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे जहां पे तेलुगु वर्जन में स्टार माँ के ऊपर से जन के ऊपर फ्री में देखने को मिलेगी अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब टाइटल ये फिल्म देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में वहीं पर हिंदी वर्जन में गोलमाइंस वालों ने सेटेलाइट और यूट्यूब दोनों राइट्स खरीदे हुए तो वहां पर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी हिंदी टब्ड वर्जन में तो इस तरह से आप ये फिल्म हिंदी और तेलुगु में इंजॉय कर पाओगे तो बस गायज आज की वीडियो में इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बातें थी इस फिल्म के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट थी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट थे वो मैंने शेयर तो कर ही दिए स्टोरी के ऊपर एक्सप्लेनेशन दे दिए फिल्म का एक डीप रिव्यू हो चुका है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट परफॉर्मेंसिस के बारे में भी बातचीत कर ली साथ ही में बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर प्रॉपर एनालिसिस कर ली इसके अलावा फिल्मिंग पोस्ट प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन के ऊपर भी डिटेलिंग दे दिए और साथ ही में फिल्म कहां पर फ्री में ऑफिशियली कितने वर्जन में देखने को मिलेगी किस तरह से आप देख पाओगे उसके ऊपर भी प्रॉपर डिटेलिंग दे दी है तो वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू